ओके बच्चों, देखिए बेटा, हम लोग आज थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। बेटा एक चीज समझिए कि हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें 80 घंटे लगते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग आईसी इंजन पढ़ रहे हैं और उस आईसी इंजन की पढ़ाई में हम लोग चैप्टर 2 पे पहुंच चुके हैं और चैप्टर 2 में भी अब हमें साइकिल्स पढ़नी है। मैंने आपसे कहा था बेटा इन साइकिल्स को आप पढ़ें और आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का ज्ञान होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं बेटा, आपने डिप्लोमा किया है तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़े होंगे, बट वो कितना आपको याद है, कितना क्लियर है, मुझे नहीं आइडिया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब थर्मोडायनेमिक साइकिल आपको पढ़ाऊं तो आपको अधिक से अधिक चीजें समझ में आए। आपको अधिक से अधिक चीजें समझ में आ सकती हैं, तो कोई शक नहीं है, बशर्ते आपके पास थोड़ा प्रोसेसर्स का ज्ञान हो। मैं करूंगा क्या बेटा, 4-5 दिन का समय लूंगा और मैं आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेस तैयार करूंगा। इसको पढ़ाते वक्त मैं ये नहीं सोचूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स के एग्जाम में क्या सवाल आते हैं, मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस का व्यवहारिक ज्ञान जो कि साइकिल्स को पढ़ने में आपको मदद करे उसको तैयार करूंगा। मैं आपका एक बेस बनाऊंगा ताकि आपको साइकिल्स पढ़ने में तकलीफ ना हो, उसके बाद भी साइकिल में कहीं भी कोई चीज होगी तो मैं रिपीट करूंगा, आप देखिएगा वहां पर। लेकिन आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ चीजों को मैं थोड़ा तेज चलाऊंगा जिसका साइकिल्स में कम उपयोग है, और कुछ चीजों को मैं काफी स्लो कर दूंगा जो हमारे साइकिल्स में मुझे बहुत इस्तेमाल पड़ेंगी, जिसके बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो उसको हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन मकसद क्या है, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इस थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ उतने पोर्शन का ताकि हमें अपनी गैस पावर साइकिल्स को पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, हर चीज पूरी पूरी समझ में आए। आइए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्म, थर्म का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कहते हैं हीट टू मोशन या हीट टू पावर, अर्थात हीट को पावर में या हीट को मोशन में कन्वर्ट करने का विज्ञान है। आई अब जरा इस थर्मोडायनेमिक्स की हम देखें तो बेटा यहां पे क्या, हीट, ये क्या है, फायर, इसको फायर बोल दो, हीट बोल दो। अब एक तरह से हम लोग क्योंकि आइस इंजन पढ़ रहे हैं, वहां पे मैं देखा बेटा फॉसिल फ्यूल हम लोगों ने पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। अगर किसी फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, ये क्या हो सकता है, ये वुड हो सकता है, ये कोल हो सकता है, ये कोई गैस हो सकती है ना, ये पेट्रोलियम क्रूड हो सकता है, इसमें पेट्रोल डीजल हो सकता है। किसी भी फ्यूल को जलाएंगे, फॉसिल फ्यूल को, तो आग या फ्लू गैस पैदा होगी। कौन सी गैसेस पैदा होंगी आप जानते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग आईसी इंजन और ईसी इंजन दोनों चला सकते हैं। तो बेसिकली हीट टू पावर, हीट टू मोशन और मोशन से ही आगे पावर। अब बेटा मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल हमारा पर्पस क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है हीट से पावर पाने की एक विज्ञान है, हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू पावर। ओके आई अब देखिए हम थर्मोडायनेमिक्स को परिभाषित करने जा रहे हैं और इसकी परिभाषा में जो इंपॉर्टेंट शब्द आएंगे उनको हमें समझना है, चूंकि उसी से हमारा बेस बनना है। आइए, थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस है या विज्ञान है, विच इज द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा और इंटरेक्शन को बोलते हैं लेन देन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड इट्स एफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब उष्मागतिकी, उष्मागतिकी ऊर्जा के लेन देन का एक विज्ञान है जिसमें हम सिस्टम को बोलते हैं निकाय और सराउंडिंग जिसको हम बोलते हैं वातावरण, सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर या सिस्टम एंड सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को बोलते हैं गुणधर्म के ऊपर हो रहे प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब जब ऊर्जा का लेन देन होगा तो निकाय और वातावरण की प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका हम अध्ययन करते हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए जरा इसको हिंदी में बोलते हैं कि उष्मागतिकी वह विज्ञान है जिसमें ऊर्जा के लेन देन होने से निकाय और वातावरण के प्रॉपर्टीज या गुणधर्मों पे जो फर्क पड़ता है उसका हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए बेटा इस परिभाषा में तीन इंपॉर्टेंट शब्द आ रहे हैं जिसको हमें डिटेल में समझना है। सबसे पहला तो है एनर्जी, तो बेटा इस एनर्जी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। दूसरा शब्द है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की हिंदी है बेटा गुणधर्म, एनर्जी की हिंदी है ऊर्जा, प्रॉपर्टीज की हिंदी है गुणधर्म। और तीसरा है बहुत महत्वपूर्ण है सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम की हिंदी है निकाय और सराउंडिंग की है वातावरण। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन से हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं, उष्मागतिकी, ऊर्जा के लेन देन का वह विज्ञान है जिसमें हम निकाय और वातावरण
के गुण धर्मों में हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हुआ थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा और उसमें मेन तीन कह लीजिए आप कीवर्ड ये हो गए और इनको लेकर हम अपनी रिविजन को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर ऊर्जा की बात की जाए या एनर्जी की बात की जाए तो फिजिक्स जो हमारी भौतिकी है जो आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक पढ़ते थे उसमें इस प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा, ठीक है। लेकिन हमारी थर्मोडायनेमिक्स में हम इस तरह की ऊर्जाओं में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। फिजिक्स में तो सारी ऊर्जाएं हैं, बड़ा महत्व रखती हैं, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, हम लोग पूरी फिजिक्स पढ़ डालते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, काफी हैवी होती है फिजिक्स। परंतु हमारे लिए ऊर्जा के दो ही रूप बड़े इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, एक को हम कहते हैं वर्क और एक को कहते हैं हीट। इसका मतलब आगे चल के हम थोड़ा सा एक दिन आधे से पौन घंटे टाइम देंगे और हीट और वर्क को, लेकिन एक चीज तय है कि जब हम यहां पे एनर्जी बोल रहे हैं, ये एनर्जी इंटरेक्शन, तो इस वक्त जब हम एनर्जी बोल रहे हैं तो हमारा मन जो है या हम जो कहना चाहते हैं, मेन रूप से जो ऊर्जा का लेन देन होता है वो दो रूप में होता है, या तो वो हीट के रूप में होता है या वर्क के रूप में होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी ऊर्जा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है हीट और वर्क, क्योंकि इसी के रूप में हम निकाय या सराउंडिंग में जो लेन देन करते हैं ऊर्जा का वो हीट और वर्क के रूप में ही करते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे, इसका मतलब मैंने इसको एक अलग स्लाइड में दिखाया है कि हमारे लिए वर्क और हीट ये जो ऊर्जा के दो रूप हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आगे धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स हमें सिखाएगी कि वर्क और हीट एक ही के सिक्के के दो पहलू हैं, वर्क को हीट में और हीट को वर्क में बदल सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क भी है, दोनों में समानताएं भी हैं, आगे देखेंगे। आइए बेटा अब हम लोग थोड़ा सा एक कह रहे हैं थ्री ई कॉन्सेप्ट। बेटा ऊष्मागतिकी में कुछ नियम होते हैं, ऊष्मागतिकी में थ्री ई कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर हम ऊष्मागतिकी को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, तीन ई का विज्ञान है। हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स इज साइंस ऑफ थ्री ई, जैसे पिक्चर आई थी ना बेटा थ्री इडियट्स, बस उसी तरह से थ्री आई है वहां इडियट्स, यहां ई है, तीन ई का विज्ञान है। पहला ई कहलाता है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, दूसरा ई कहलाता है ई एनर्जी, और तीसरा ई कहलाता है एंट्रोपी। तो साम्यावस्था, ऊर्जा और एंट्रोपी, एंट्रोपी की हिंदी बेटा नहीं बनी है, मुझे तो नहीं मालूम है, आपको मालूम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब जो इक्विलिब्रियम है ये थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ से जुड़ता है, और इस जीरोथ लॉ से जो परिभाषा आती है वो आती है टेम्परेचर या ताप। तो ताप को परिभाषित करता है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ क्या होता है, उससे कैसे टेम्परेचर परिभाषित होता है और उसके डिटेल के बारे में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा तो पढ़िएगा, यहां पर हमें इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ई होता है हमारा एनर्जी, ये आता है हमारे फर्स्ट लॉ से, मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, और इससे जो प्रॉपर्टी डिराइव होती है या निकलती है या जिसका कॉन्सेप्ट बनता है वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। तो जीरोथ लॉ से आता है टेम्परेचर या तापमान, फर्स्ट लॉ से आती है इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, और जो हमारा सेकंड लॉ है या थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम जो है उससे जो प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है एंट्रोपी। और हमारे थर्मोडायनेमिक्स में एक और लॉ होता है जिसको थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ, हमारा थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ जो होता है बेटा वो एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी, मींस एंट्रोपी के परम शून्य के बारे में डिस्कशन करता है। इसका मतलब हमारे थर्मोडायनेमिक्स में कुल मिला के चार नियम है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ जो है वो टेम्परेचर को परिभाषित करता है या टेम्परेचर से संबंधित है, फर्स्ट लॉ जो है आंतरिक ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को बताता है या आंतरिक ऊर्जा से संबंधित है, सेकेंड लॉ जो है वो एंट्रोपी को परिभाषित करता है या उससे एंट्रोपी नामक प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं हम लोग, निकालते हैं, और जो हमारा थर्ड लॉ है वो इसी एंट्रोपी के परम शून्य ताप के बारे में बात करता है या एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में बात करता है। अब हमें जो पढ़ाई करनी है, अपनी गैस पावर साइकिल के लिए बेस बनाना है, उसमें बेटा हमें इस फर्स्ट लॉ के कुछ स्टेटमेंट, पूरा फर्स्ट लॉ नहीं, और हमें सेकंड लॉ का कुछ स्टेटमेंट बहुत जरूरत है। इसका मतलब अगर हम गैस पावर साइकिल को पढ़ना चाहते हैं, प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमें चारों लॉ बहुत अच्छी तरह से आते हों, लेकिन कम से कम फर्स्ट लॉ के दो तीन स्टेटमेंट और हमारे सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलेंगे आगे चल के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब ये हमें क्लियर होगा तो मानी बात है कि हमें गैस पावर साइकिल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा
सर ये बताइए थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा तो हो गई, ये कहती है कि थर्मोडायनेमिक्स सर ऊर्जा के लेन देन का विज्ञान है, जिसमें सर निकाय और वातावरण को हम ऊर्जा लेते देते हैं। किस रूप में ऊर्जा लेते देते हैं? हीट और वर्क के रूप में, और उसके वजह से हीट और वर्क के लेन देन की वजह से उस निकाय और वातावरण की प्रॉपर्टीज या गुणधर्मों में जो परिवर्तन हो रहा है, गुणधर्म कुछ नहीं है बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी वगैरह, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, यही है प्रॉपर्टीज, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। अब इसमें जब हम बात कहते हैं तो सर जो ऊष्मागतिकी नामक साइंस है इसका जो एप्लीकेशन है, या इतना मुश्किल सा साइंस है सर, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, जटिल सा है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं सर? मैंने कहा देखो बेटा इसका जो एप्लीकेशन है, इसका उपयोग है वो ऊर्जा के क्षेत्र में है। तो अब समझिए कि इसका जो उपयोग है वो ऊर्जा के क्षेत्र में है। अब इसके अंदर दो तरह के मेन क्षेत्र आते हैं, एक आता है पावर प्रोड्यूसिंग और प्लस डब्ल्यू डिवाइसेस। हम ऐसे डिवाइसेस का अध्ययन करते हैं जो वर्क देती हैं प्लस डब्ल्यू। अब वर्क बेटा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा फोकट में तो मिलती नहीं है, हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जहां जहां जो जो डिवाइसेस वर्क देती हैं उनका हम अध्ययन थर्मोडायनेमिक्स में। सर इसका कोई एग्जांपल्स है? मैंने कहा यस, हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है? पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। पर क्या ये वर्क देता है कि वर्क खाता है? सर ये वर्क देता है, तो ये प्लस डब्ल्यू डिवाइस है या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। इसका अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत होगा। और दूसरी डिवाइसेस होती हैं वर्क कंज्यूमिंग या पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस या माइनस डब्ल्यू। सर इसका उदाहरण क्या है जो वर्क खाती है? मैंने कहा बेटा फैन, ब्लोअर, कंप्रेसर, ये एक ही खानदान के हैं इसीलिए ऐसे लिखा है, फैन, ब्लोअर, कंप्रेसर। ये करते हैं प्रेशर बढ़ाते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हमारा घर का एसी हो या कह सकते हो फ्रिज हो, इसको रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलेंगे। सर यहाँ पे एसी आपने अलग से लिखा है, मैंने कहा बेटा इस एसी में ठंडे वाले एसी भी आते हैं, गर्म वाले एसी भी आते हैं। इसका मतलब फैन, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इस सब में क्या होता है? ये वर्क देते नहीं है, ये वर्क खाते हैं। और जब वर्क खाते हैं तो या तो प्रेशर बढ़ाएंगे या ठंडक देंगे या गर्माहट देंगे, लेकिन ये वर्क कंज्यूम करते हैं, ये माइनस डब्ल्यू डिवाइसेस हैं। सर थर्मोडायनेमिक्स में ये आता है या ये आता है? मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स में ये भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स में ये भी आता है। फर्क सिर्फ ये है कि जब आप आइसी इंजन पढ़ते हैं तो एक तरह से आप इस पे हैं, जब आप थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हैं तो एक तरह से इस पे हैं। इन दो सब्जेक्ट में प्लस डब्ल्यू है, और इसमें जब आप चलते हैं पावर को तो इसमें आपका आ जाता है आर ए सी, मीन्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आप समझ रहे हैं कि आपका थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक बेसिक पेपर है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के नियम पढ़ते हैं आप। कौन कौन से? पीछे देखा था जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। और इन थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अलावा कुछ प्रिंसिपल्स या सिद्धांत समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित, और कुछ कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं कुछ अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट शायद हिंदी अवधारणा होती है। हम इन सबको समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं? प्लस डब्ल्यू डिवाइसेस में, जो वर्क देती हैं, उदाहरण हीट इंजन, या जो वर्क खाती हैं, उदाहरण रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फैन, कंप्रेसर, ब्लोवर इत्यादि। अब सर ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मैंने कहा बेटा जो हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, रासायनिक प्रोसेस होते हैं, उसका भी उसमें भी इसका उपयोग होता है थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन वो कहलाती केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। एक समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, हम लोग इसका अध्ययन नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए उपयोगी नहीं है, बट हम लोग के फील्ड से थोड़ा अलग है ये, तो हम लोग इसका अध्ययन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसका भरपूर अध्ययन करेंगे। किस सब्जेक्ट में? आईसी इंजन में और थर्मल पावर प्लांट में। और सच सोचिए कि हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है इसको पढ़ने की? दोबारा इसलिए पढ़ रही है क्योंकि हमें गैस पावर साइकिल को अच्छी तरह समझना है। ओके, तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगी तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग क्या है सर? प्लस डब्ल्यू में भी है, माइनस डब्ल्यू में भी है। फिलहाल आईसीएन किसका उपयोग पढ़ने जा रहा है? प्लस डब्ल्यू वाले पढ़ने जा रहा है। जब रेफ्रिजरेशन पढ़े किसका पड़ेगा? इसका पड़ेगा। सर क्या इसका और इसका जो नियम कानून है अलग है? यस, वर्क प्रोड्यूसिंग के लिए कुछ अलग नियम कानून है, वर्क कंज्यूमिंग के लिए कुछ अलग नियम कानून है। सर ये सब हम लोग समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए अब बेटा इसमें जो हमारा एप्लीकेशन है प्लस डब्ल्यू का या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस का या पावर जो देती है उन डिवाइस का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हीट इंजन। अब बेटा इस हीट इंजन को आप लोग देख चुके हैं, जब हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था आईसी इंजन तो उसमें मैंने आपको हीट इंजन के बारे में एक्सप्लेन किया, तो अभी मेरे ख्याल से इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे शायद लेक्चर नंबर 4 में
इसको मैंने डिटेल में 45 मिनट में डिस्कस किया है, हीट इंजन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और एक दो नहीं 5-6 डिफरेंस हैं, किस मायने में कौन सा अच्छा है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पर की थी। हम लोगों ने देखा था कि आईसी इंजन की क्या होती है, एफिशिएंसी हाई होती है, पावर टू वेट रेशियो हाई होता है, और ये क्विक स्टार्ट होते हैं या तुरंत स्टार्ट किए जा सकते हैं। ये सब क्या है, क्विक स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब क्या है, आईसी इंजन के फायदे हैं। इसका मतलब सर इस इंजन कोई फायदा नहीं है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन कोई फायदा नहीं है? मैंने कहा नहीं, इसमें हम लो ग्रेड के फ्यूल्स या सस्ते ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं, लो ग्रेड के फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोयला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सारी बातें हो चुकी। इसका मतलब कि इस हीट इंजन के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके, और सच बात तो ये है कि इस हीट इंजन के अंदर ही ये हमारा आईसी इंजन है। इस आईसी इंजन में हम ये एरिया ही पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर वन में 16 घंटे दिए हैं आपको बेटा, 16 घंटे मैंने 16 लेक्चर दिए हैं। घंटे देखोगे तो शायद थोड़ा ज्यादा ही हो जाएंगे, 4 मिनट। 16 लेक्चर में हम लोगों ने इसका बेसिक बनाया, लेकिन उसमें हमें थर्मोडायनेमिक्स जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें क्या था, थ्योरी टाइप था, है ना, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन रिंग, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल, स्पार्क प्लग, वॉल टाइमिंग डायग्राम वगैरह। लेकिन अब हम पढ़ेंगे गैस पावर साइकिल्स, वहां पे जो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उसका इस्तेमाल पड़ेगा। तो हम चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपका थर्मोडायनेमिक्स का, और खास करके क्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का, प्रक्रम का, उसका बेस तैयार करें। इसका मतलब ये हीट इंजन हम लोग शुरू कर चुके हैं पढ़ना, और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसको बेसिक फंडामेंटल कहते हैं। आइए आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पहली डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है, सिस्टम सराउंडिंग एन यूनिवर्स। सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेटा निकाय, सराउंडिंग को बोलते हैं वातावरण, और यूनिवर्स को बोलते हैं एक तरह से आप बोल सकते हैं ब्रह्मांड। अब बेटा देखिए यहां पे सिस्टम के आगे थर्मोडायनेमिक नहीं लिखा है, सच मायने में थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग और थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स, इन्हें शॉर्ट में बोल देते हैं सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। सबसे पहली परिभाषा देखते हैं सिस्टम या निकाय। अब देखिए यहां पे क्या है बेटा, एक मैंने इरेगुलर, या आप कह सकते हैं जो भी इरेगुलर की हिंदी होती है, मुंह से नहीं निकल रही है, एक इरेगुलर बाउंड्री है, इसके अंदर मैंने कुछ मैटर दिखाया हुआ है। तो आप समझिए क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। मतलब सिस्टम या निकाय किसको कहते हैं सर, किसी भी घेरे के अंदर जो मात्रा है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी क्या होती है बेटा, मात्रा, किसकी मात्रा सर, मैटर की, मैटर मतलब द्रव। अब जब बेटा द्रव बोलते हैं तो आप पढ़ चुके हैं इसको लेवल पे या उसके भी नीचे, पदार्थ जो होता है या द्रव्य जो होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका मतलब किसी भी अवस्था में हो सकता है, तो इसका मतलब निश्चित मात्रा जो होती है द्रव्य की या पदार्थ की, या कह सकते हैं रीजन मतलब जगह, स्पेस का मतलब ब्रह्मांड में। इसका मतलब व्हाट इज सिस्टम, इसे इस कमरे में है तो इस कमरे के अंदर जो हवा है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो अवर एयर इज ए सिस्टम। नहीं नहीं सर, सर हम उस कोचिंग में जहां पे हमारी क्लास चलती है, थ्योरी क्लास चलती है, उस हॉल में जो कुछ है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस जगह का अध्ययन कर रहे हैं, उस जगह में जो भी आएगा जो भी जाएगा उसका अध्ययन करेंगे, उस जगह का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसको हम निकाय बोलेंगे। अब बेटा समझिएगा थोड़ा सा, इस निकाय को कभी कभी हम लोग वर्किंग मीडियम भी बोलते हैं, वर्किंग मीडियम भी बोलते हैं, मीन्स जिसके बारे में हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसी को हम निकाय बोलें। अब आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में सक्शन होता है, तो सक्शन के दौरान अंदर क्या आता है, चार्ज अंदर आता है, चार्ज का मतलब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर। तो व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द वर्किंग मीडियम, कार्यकारी माध्यम क्या है, वहां पे कार्यकारी माध्यम सक्शन स्ट्रोक के दौरान वायु और पेट्रोल का मिक्सचर है। परंतु डीजल इंजन में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एयर आती है, तो वहां पे वर्किंग मीडियम क्या है, एयर है। इसी प्रकार एग्जॉस्ट प्रोसेस में अगर पेट्रोल इंजन है और एग्जॉस्ट प्रोसेस में अगर डीजल इंजन है, क्या होता है, जो जली हुई गैसेज हैं जिनसे हमने एनर्जी ले ली है, जिसका टेम्परेचर गिर चुका है, जिसकी इंथैल्पी भी गिर चुकी है, उसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खोल के बाहर निकाल देते हैं। तो व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द वर्किंग मीडियम, क्या है कार्यकारी माध्यम, जली हुई गैसेस। तो बेसिकली बेटा सिस्टम या निकाय या कार्यकारी माध्यम या वर्किंग मीडियम
वह द्रव्य है, उसकी मात्रा है, या वह जगह है जिसके अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी हम प्रॉपर्टीज वगैरह को देखेंगे, जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है, तो उसको कहते हैं निकाय। अब इस निकाय के साथ साथ दो शब्द और जुड़े होते हैं, एक होती है सराउंडिंग और एक होती है बाउंड्री। तो निकाय क्या हो गया? निश्चित मात्रा, पदार्थ की निश्चित मात्रा, या ब्रह्मांड में वह जगह जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम निकाय कहते हैं। अब इस परिभाषा में बेटा, हम एक बार मिटा के फिर से बोल रहे हैं, इस परिभाषा में ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जब ये लिखा गया है ना, तो बेटा क्लोज सिस्टम का नजरिया है, और जब ये लिखा गया है ओपन सिस्टम का नजरिया है। इसका मतलब इस परिभाषा में सिस्टम के क्लोज है और ओपन है, दोनों आ गया है। इसका मतलब पदार्थ की निश्चित मात्रा या ब्रह्मांड में वह जगह जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम निकाय या कार्यकारी माध्यम, इंग्लिश में बोले तो सिस्टम या वर्किंग मीडियम कहते हैं। अब इसी निकाय को हम ऊर्जा देंगे, इसी निकाय से ऊर्जा लेंगे। जब निकाय को ऊर्जा देंगे या निकाय से ऊर्जा लेंगे, तो इस निकाय की प्रॉपर्टीज या गुण धर्मों में परिवर्तन होगा, उसी का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए इस कमरे की एयर है, हमने एसी चला दिया, तो क्या हो गया? हमने एसी चला दिया, तो अब एसी चला दिया तो क्या दे रहे हैं सर? हमने कहा वर्क इनपुट दे रहे हैं इस एसी में। तो क्या कर रहा है? यहां से हीट निकाल रहा है। जब यहां से हीट निकाल रहा है, इस कमरे का टेम्परेचर क्या हो रहा है? गिर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, ह्यूमिडिटी घट रही है। ह्यूमिडिटी बोलते हैं बेटा आर्द्रता या उमस। इस एसी के चलने से क्या हो रहा है? इस एसी के चलने से इस कमरे से हीट निकल रही है, फलस्वरूप यहां का टेम्परेचर गिर रहा है। तो एसी चलने से पहले तापमान क्या था इस एयर का? हाई था। एसी चलने के बाद तापमान क्या है? लो हो गया। तो टेम्परेचर परिवर्तित हो गया। तो यही है सिस्टम। तो अध्ययन का मतलब क्या है? उस निकाय का जो कार्यकारी माध्यम है, उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन, गुण धर्मों का अध्ययन। आइए आगे चलते, परेशान मत होइए बेटा, ये बस हल्के समझते रहिए। जो उसका रियल एप्लीकेशन है, अगर आप इस तरह से हल्का हल्का चीजें समझ रहे हैं व्यावहारिक तौर पे, तो आपको ये बड़े आसानी समझ में आएगा। है आइए, इसकी परिभाषा को मैं नहीं कह रहा हूं ना, परिभाषा पूछी जाती है। अब आई बात सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? मैटर मतलब पदार्थ या द्रव्य या जगह, आउटसाइड सिस्टम। इस बाउंड्री या जो हमारा घेरा है, इसके अंदर जो चीज है, ये पूरा, ये क्या है? ये सिस्टम है। और इसके बाहर का जो एरिया है, कहने का मतलब निकाय के अलावा बाकी चीज क्या है? निकाय के अलावा बाकी चीज की अगर हम बात करें, ये जो है पूरा, ये क्या है? ये है सराउंडिंग। इसमें निकाय को छोड़ के बाकी जो चीज है, जो इस घेरे के अंदर है, वो सिस्टम है, और जो घेरे के बाहर है वो सराउंडिंग है। लेकिन इस रेक्टेंगल में अगर आप देखिए, तो सराउंडिंग भी आ गई, सिस्टम भी आ गई। इसको जोड़ देंगे, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ देंगे, तो बन जाएगा यूनिवर्स। अभी बाउंड्री आ गया, चलिए ओके। अब सर किसको मानेंगे? सिस्टम किसको मानेंगे? सराउंडिंग। मैंने कहा देखिए बेटा, ये जो एक हमारी एनवलप है या घेरा है, ये कहलाती है बाउंड्री। इसके अंदर है सिस्टम और इसके बाहर है सराउंडिंग। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम हो, ये सराउंडिंग हो। अगर आप मान लीजिए इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग। तो जिसका आप अध्ययन करेंगे वो होगा सिस्टम, और उसके अलावा घेरे के बाहर जो चीज होगी वो होगी हमारी सराउंडिंग। तो इस वक्त हमारा सिस्टम जो है, इस घेरे के अंदर जो भी पदार्थ है उसकी हम स्टडी करेंगे, तो वो हमारा सिस्टम है। इस घेरे के बाहर जो है वो हमारा सराउंडिंग है। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज अलग कर रही है, जिसको आप कह सकते हैं घेरा या एनवलप, वो है हमारी बाउंड्री। तो तीसरी परिभाषा आइए देखते हैं, बाउंड्री। एनवलप, एनवलप को बेटा यहां पे हम लोग कह सकते हैं वह घेरा, है ना, या तो इसको अलग कर रहा है, विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला जो घेरा है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। अब इस बाउंड्री में एक दो बातें हमारे लिए बहुत समझने की हैं, अभी थोड़ी देर में आएगा बाउंड्री के बारे में। अभी यूनिवर्स। अब बेटा यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, लेकिन यहां पर जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप समझिए ये यूनिवर्स जो हमारा है, ये ज्योग्राफी वाले ब्रह्मांड नहीं है बेटा। यहां पे हम थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स की बात करते हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग को जब एक साथ ले लेते हैं, तो हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। मतलब ये जो रेक्टेंगल है, इसके अंदर सिस्टम भी आ गया, सराउंडिंग भी आ गया, या कह सकते हैं व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर पुट टुगेदर दे फॉर्म ए यूनिवर्स। बट विच यूनिवर्स? थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। इसका मतलब उष्मागत की ब्रह्मांड या थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स क्या है, जब सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ रख देते हैं, तो वो बन जाता है उष्मागत की यूनिवर्स। अब हमारे लिए
सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला जो घेरा है वो है बाउंड्री। इस बाउंड्री में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें समझनी हैं और उसके बिना हमें आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाउंड्री। अब बेटा देखिए, हमें बाउंड्री का मतलब सीमा, बाउंड्री मतलब सीमा। बेटा ये बाउंड्री जो है हमारी, ये बाउंड्री कई प्रकार से क्लासिफाई या वर्गीकृत की जा सकती है। एक क्लासिफिकेशन है हीट ट्रांसफर के हिसाब से, मतलब जो हमारी ऊष्मा है उसके लेन देन के हिसाब से इस बाउंड्री को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं बेटा डायाथर्मिक बाउंड्री और एक को बोलते हैं एडियाबेटिक बाउंड्री। इसका मतलब हमारे पढ़ाई के दौरान हमारी बाउंड्री या हमारे अध्ययन के दौरान हमारी बाउंड्री दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है डायाथर्मिक और एक हो सकती है एडियाबेटिक। ये किस पे आधारित है? ये ऊष्मा के स्थानांतरण पर आधारित है। अगर ऊष्मा का स्थानांतरण Q 100% हो रहा है, पूरा पूरा हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये डायाथर्मिक बाउंड्री है। और अगर ऊष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो हम बोलते हैं ये एडियाबेटिक बाउंड्री। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इस वक्त हम लोग जिस कमरे में हैं, इस कमरे की चारों तरफ दीवारें हैं, जमीन है या फर्श है और ऊपर छत है। अब मान लीजिए बाहर बहुत जोर से आग लग गई है, इसके अंदर का टेम्परेचर जो इस कमरे में एयर है उसका टेम्परेचर मान लीजिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर जो है आग लग गई है और ये टेम्परेचर मान लीजिए है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर बाहर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऊष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बहेगी। तो बाहर से ऊष्मा जो है इस दीवारों से और छत से अंदर आना चाहेगी। अब अगर हमारी ये जो बाउंड्री है ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक का मतलब कि इससे हीट आ ही नहीं सकती, मतलब बाहर का टेम्परेचर 500 रहेगा, अभी है, आधे घंटे बाद भी बाहर का टेम्परेचर 500 है, चार घंटे बाद भी टेम्परेचर 500 है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर 24 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से ऊष्मा अंदर नहीं आ पाएगी, हीट ट्रांसफर विल बी जीरो। इसी का उल्टा कर ले, मान लीजिए हमारे कमरे के अंदर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऊष्मा क्या होगी? 100 से 24 जाना चाहेगी दीवारों से और छत से। लेकिन अगर ये बाउंड्री एडियाबेटिक है, तो हीट कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब बाहर का टेम्परेचर 24 ही रहेगा, कमरे का अंदर टेम्परेचर 100 रहेगा, अभी एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, अनंत काल तक। इसका मतलब हीट ना तो आ सकती है ना जा सकती है यदि ये बाउंड्री एडियाबेटिक है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी ये बाउंड्री एडियाबेटिक, जब भी हमने कह दिया कि बाउंड्री एडियाबेटिक है किसी भी डिवाइस की, कोई भी जुगाड़ हो, हमारा इंजन हो, टर्बाइन हो, कंप्रेसर हो, बॉयलर हो, अगर हमने कहा कि इसकी बाउंड्री एडियाबेटिक है, इसका मतलब इसके अंदर ना कोई हीट आ सकती है ना इससे बाहर हीट जा सकती है। और एडियाबेटिक बाउंड्री को दिखाते वक्त हम लोग, मान लीजिए आपने कहा सर ये रूम है और इसकी बाउंड्री एडियाबेटिक है, तो एक तो तरीका है मैं मुंह से बोलूं कि एडियाबेटिक है या मैंने ऐसे हैचिंग कर दी। अगर हम लोग किसी भी घेरे के ऊपर इस तरह की हैचिंग कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सर ये एडियाबेटिक है, दीवारें जो है एडियाबेटिक है, इसे क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब सर हीट ना तो बाहर जा सकती है ना आ सकती। क्या सर एडियाबेटिक बाउंड्री या एडियाबेटिक दीवार होना संभव है? नहीं, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि परफेक्टली एडियाबेटिक दीवार हो। हाँ ये हो सकता है कि ऊष्मा का विरोध करे, ऊष्मा धीरे धीरे बहे, ऊष्मा ज्यादा ना बह पाए, बट ऊष्मा बिल्कुल ही नहीं बहेगी, क्यों बराबर जीरो होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए हम लोग अक्सर मानेंगे कि ये एडियाबेटिक दीवार है या एडियाबेटिक बाउंड्री है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि ऊष्मा न तो आ सकती है न जा सकती है। ठीक है, आइए अब हमने कहा सपोज कीजिए हमारा यही कमरा है जो अभी हमने किया था, अंदर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये दीवार या बाउंड्री एडियाबेटिक नहीं है, बल्कि आपने कहा सर ये डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक है का मतलब कि सर ये दीवार जो है ऊष्मा का परफेक्ट चालक है, 100% चालक है, इसका मतलब हीट बाहर से अंदर आना शुरू होगी और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब 100% हीट ट्रांसफर होगा और हो सकता है कुछ देर के बाद अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बराबर हो जाए। कहने का मतलब हीट आसानी से सुगमता से आएगी, 100% हीट ट्रांसफर होगा। तो क्या सर ऐसी दीवारें हो सकती हैं जहां परफेक्ट हीट ट्रांसफर होना है? ना तो ऐसी दीवार हो सकती है ना तो ऐसी दीवार हो सकती है। प्रैक्टिकली क्या होगा, हमारी बाउंड्री या प्रैक्टिकली जो हमारी दीवार होगी इसके बीच में होगी। अब अगर मान लीजिए इसके करीब है, हीट अच्छी तरह से आ रही है, तो हम बोलेंगे डायाथर्मिक है। हीट रुक रुक के आ रही है, दीवार थोड़ी इंसुलेटर है, कुचालक है, ऊष्मा के बहने का विरोध कर रही है, तो हम बोलेंगे वो
एडियाबेटिक है या रुद्धोष में है, लेकिन सच मायने में हमारी प्रैक्टिकली जो वॉल होगी वो इसके कहीं बीच में होगी। लेकिन पढ़ते वक्त हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करेंगे डायथर्मिक, डायथर्मिक का मतलब हीट आ जा सकती है, एडियाबेटिक का मतलब हीट आ जा नहीं सकती है। तो जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कॉर्नोट साइकिल, तो वहां पे हम बोलेंगे कि दीवारें जो हैं उष्मारोधी हैं, मतलब उससे हीट आ जा नहीं सकती, जबकि हम बोलेंगे जो माथा है वो उष्मा का चालक है या डायथर्मिक है, इसका मतलब उससे हीट आ जा सकती है। ओके क्लियर, ओके। तो इसका मतलब बाउंड्री में दो बातें आपको समझने वाली हैं, डायथर्मिक और एडियाबेटिक। इसके अलावा ये बाउंड्री जो होती हैं ये इमेजिनरी या काल्पनिक हो सकती हैं या वास्तविक हो सकती हैं, इस वास्तविक में ये बाउंड्री चलायमान हो सकती हैं या स्थिर हो सकती हैं। अभी अगला फिगर जब आएगा या अगला कॉन्सेप्ट हम जब समझाएंगे तो ये साथ साथ आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग अब बाउंड्रीज को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ये जरूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा। अब बाउंड्री पे डिटेल में जाने से पहले, अब निकाय कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा देखिए सिस्टम जो है मेनली जानते होंगे आप लोग, लेकिन अब उसको समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्यों है मैं बताऊंगा अभी आपको। सिस्टम को हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, या सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं क्लोज सिस्टम, या हिंदी में आप बोल सकते हैं बंद निकाय। दूसरा होता है ओपन सिस्टम, जिसको हिंदी में आप कहते हैं खुला निकाय। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं विलग निकाय। इसका मतलब सिस्टम तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो सिस्टम क्लोज हो सकते हैं, या सिस्टम ओपन हो सकते हैं, या सिस्टम आइसोलेटेड हो सकते हैं। सर ये जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है ये किस पे आधारित है? मैंने कहा बेटा इस वर्गीकरण में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक है मास फ्लो, मतलब द्रव्यमान के बहने से, कि द्रव्यमान आ रहा है जा रहा है, मीन्स द्रव्यमान का आना जाना संभव है मास फ्लो के हिसाब से। और दूसरा है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा के आने जाने के हिसाब से। अब अगर हमारे निकाय में मास नहीं आ जा रहा है, मतलब मास आ जा नहीं सकता लेकिन एनर्जी आ जा सकती, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर मास भी आ जा सकता है अक्रॉस द बाउंड्री और एनर्जी भी आ जा सकती है तो हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। और अगर ना मास आ सकता है ना एनर्जी आ सकती है तो ऐसे को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जब हम यहां पे एनर्जी बोलते हैं बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का लेन देन या एनर्जी का आना जाना दो ही तरीके से हो सकता है, हीट और वर्क के हिसाब से। तो जब हम कह रहे हैं एनर्जी आ सकती है का मतलब यहां पे हीट और वर्क दोनों आ सकते हैं या दोनों जा सकते हैं, या एक आ सकता है दूसरा जा सकता है। और यहां पे तो इसका मतलब यहां पे हम लोग जब एनर्जी कह रहे हैं तो एनर्जी का मतलब है हीट और वर्क दोनों से है। अब इसी को समझना बहुत बड़ी बात है। सर ये अक्सर कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स को समझते वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि ये सिस्टम क्लोज है कि ओपन है। सर क्या फर्क पड़ जाता है इससे? मैंने कहा समझिए थोड़ा सा बेटा, कि सिस्टम जिसकी तुम एनालिसिस कर रहे हो या जिसकी तुम स्टडी कर रहे हो, अगर तुमने उसको क्लोज सिस्टम माना है या वो क्लोज सिस्टम है, और या फिर तुमने उसको क्लोज सिस्टम मान के उसका अध्ययन कर रहे हो, और अगर क्लोज सिस्टम नहीं है तो ओपन सिस्टम है। दोनों ही स्थितियों में अगर सिस्टम क्लोज है या सिस्टम ओपन है, जो नियम कानून लगेंगे वो अलग है। इसका मतलब आप अपनी थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई के वक्त सही नियम और सही कानून तभी लगा पाएंगे, सही फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे, जब आप पहले समझेंगे कि इस वक्त जो मैं स्टडी कर रहा हूं ये निकाय जो है ये क्लोज सिस्टम है कि ये ओपन सिस्टम। अगर क्लोज सिस्टम है तो उसके नियम कानून उसके फॉर्मूले लगाएंगे, अगर ये ओपन सिस्टम है तो उसके नियम कानून उसके फॉर्मूले लगाएंगे। मैं एग्जांपल बताता हूं, सपोज कीजिए आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम, और अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने मान लीजिए इंग्लिश में बोला और बोला पूर्ण विराम तो आप हंसने लगेंगे, वहां पे बोले फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप कहां यूज करते हैं वाक्य के अंत में? इंग्लिश में हम लोग कोई भी वाक्य जब खत्म करते हैं सेंटेंस खत्म करते हैं बोलते हैं फुल स्टॉप, बट हिंदी में कोई सेंटेंस खत्म करते हैं तो बोलते हैं पूर्ण विराम। इसका मतलब दोनों में व्याकरण या ग्रामर अलग अलग है, लेकिन हर जगह अलग नहीं होती, कुछ कॉमन भी होता है। जैसे हिंदी में अगर हम कहीं बीच में स्टॉप देना है तो हम बोलते हैं कॉमा लगा देते हैं, और इंग्लिश में भी कॉमा लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं कॉमा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन है, लेकिन जो सेंटेंस खत्म होता है यहां पे है पूर्ण विराम और वहां पे है फुल स्टॉप। इसका मतलब जब सिस्टम क्लोज होगा या सिस्टम ओपन होगा, कुछ नियम है जो कॉमन होंगे दोनों में, कुछ नियम है जो अलग होंगे। कौन से नियम अलग होंगे, कौन से नियम कॉमन होंगे, हमको समझना पड़ेगा।
तो इसका मतलब जब नियम अलग होंगे तब हम अगर गलत फॉर्मूला लगाएंगे तो गड़बड़ होगा। अब हिंदी में बोला मैंने आपको, कल हमारी थर्मल की क्लास ऑफ रहेगी, फुल स्टॉप, कल थर्मल की क्लास ऑफ रहेगी, आप हिंदी बोल रहे हैं बोलिए पूर्ण विराम, टुमारो द क्लास विल बी ऑफ, तो बोलिए फुल स्टॉप। इसका मतलब कि नियम कानून, तो इसका नाम पढ़ा था आईसी इंजन में, मैं बोल रहा हूं जब देखिएगा, पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी जाता है और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी आता है तो आप हंस क्यों रहे हैं सर? आप हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, आप बोल रहे हैं पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, बीडीसी से टीडीसी आता है, नहीं सर आपको बोलना चाहिए आईडीसी से ओडीसी जाता है, ओडीसी से आईडीसी आता है, जब वर्टिकल हो तो बोलिए टीडीसी बीडीसी। तो टीडीसी बीडीसी कब लगता है? जब वर्टिकल है। आईडीसी ओडीसी कब लगता है? जब हॉरिजॉन्टल है। लेकिन टीडीसी से बीडीसी की दूरी कहलाती है स्ट्रोक लेंथ, और आईडीसी से ओडीसी की दूरी कहलाती है स्ट्रोक लेंथ, चाहे इंजन वर्टिकल हो या इंजन हॉरिजॉन्टल हो, अगर ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस जो होती हैं इनके बीच की दूरी कहलाती है स्ट्रोक लेंथ, और सिलेंडर का जो अंदरूनी डाया होता है वो कहलाता है सिलेंडर डायामीटर या बोर डायामीटर। तो कुछ चीजें हैं जो बदल गई, कुछ चीजें हैं सेम रही। इसका मतलब समझिए कि अगर आप ये पहचान जाएंगे या आप ये समझ जाएंगे कि जब मैं अध्ययन कर रहा हूं तो इस निकाय को मैं क्लोज्ड मानूं कि ओपन मानूं, तो कुछ फॉर्मूले अलग लगेंगे। आपको सही समय पे सही फॉर्मूला लगाना है, अगर वो लगा पाएंगे तो इसीलिए कहा जाता है बेटा कि क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो क्या सर हम लोग ये पहचान पाएंगे? बिल्कुल पहचान पाएंगे। बस थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत वाला लेक्चर जो होता है, खासकर जो कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, ये थोड़े बोरिंग होते हैं, हम समझ में आते हैं, फिजिकली कुछ दिखता नहीं है, फिर धीरे धीरे समझ में आते हैं तो टाइम लगता है, तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो आप इंटरेस्ट बनाए रखिए, आपको 100% समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, इस वक्त मैं आपको क्लोज सिस्टम दिखा रहा हूं। अब क्लोज सिस्टम कुछ उदाहरण देखिए, मान लीजिए हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है, ये डॉटेड लाइन हमारी बाउंड्री है, और इसके अंदर कोई गैस है। अब देखिए इस गैस का द्रव्यमान कांस्टेंट, अब समझिए मास न तो आ सकता है न मास जा सकता है। मान लीजिए यहां 3 kg ऑक्सीजन गैस है, तो अब ये 3 kg ही रहेगी। आप पिस्टन को दबा दीजिए तो भी ये 3 kg रहेगी, पिस्टन को पीछे खींच लीजिए तो भी 3 kg रहेगी। मतलब आयतन घट सकता है, आयतन बढ़ सकता है, परंतु जो द्रव्यमान है गैस का वो 3 kg ही रहेगा। इसका मतलब मास विल बी कॉन्स्टेंट, न मास आएगा न मास जाएगा। क्लोज सिस्टम में मास आ जा नहीं सकता, पीछे देखा था मास आ जा नहीं सकता। और एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है। सर कैसे? मैंने कहा इसको हीट दे दो, सपोज करो तुमने यहां से इसको हीट दे दी, और ये दीवार जो है, मान लीजिए ये दीवार जो है उष्मा की चालक है, यहां से हीट चली जाएगी। और मान लीजिए ये गैस तुम्हारी गर्म है और वातावरण ठंडा है, तो यहां से हीट आ जाएगी। तो इसका मतलब इसमें हीट आ जा सकती है। सर वर्क कैसे आएगा? मैंने कहा वर्क कैसे आएगा, इस पिस्टन के ऊपर चलो 4 लोग बैठ जाते हैं, चल के इस पिस्टन में 4 लोग बैठ जाएंगे, क्या हो जाएगा? हमारा वर्क मिलेगा, और ये पिस्टन इस पे दबाव डालेगा तो यही वर्क है, तो इसको कंप्रेशन वर्क बोलेंगे। और मान लो गैस का दाब ज्यादा है तो हमें ऊपर फेंक देगा, तो ये एक्सप्रेशन वर्क। तो इसका मतलब हम इसको वर्क दे सकते हैं, इससे वर्क ले सकते हैं, इसको हीट दे सकते हैं, इसको हीट ले सकते हैं, अभी समझेंगे। ये है हमारा क्लोज सिस्टम। तो इस चित्र में क्या दिखाने की कोशिश की गई है? इस चित्र में आपको बेटा क्लोज सिस्टम दिखाने की कोशिश की गई है। क्लोज सिस्टम में मास आ जा नहीं सकता, इसका मतलब जो मास आएगा नहीं, मास जाएगा नहीं, तो जो भी मास है पहले से मौजूद वो कांस्टेंट रहेगा, जितनी गैस थी उतनी ही रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी। लेकिन हाँ, इसको एनर्जी दे सकते हैं। मान लीजिए बेटा ये गैस थी, इस गैस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर T1, आपने हीट दे दी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसको एनर्जी दे सकते हो, इससे एनर्जी ले सकते हो, किस रूप में? हीट और वर्क के रूप में। लेकिन इसके मास, न इसमें मास दे सकते हो, या कहिए न मास जा सकता है न मास आ सकता है। अब सर क्लोज सिस्टम को उदाहरण बताइए। मैंने कहा बेटा क्लोज सिस्टम के उदाहरण तो कई हैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, बट फिलहाल हम लोग सिर्फ लेके चलेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। आपने देखा है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, वर्टिकल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, फिर वो 2 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, LPG हो, CNG हो, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो क्लोज सिस्टम का कोई पूछे आपसे उदाहरण तो आप कह सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, बाकी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में करते हैं। आइए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब देखिए बेटा यहां पे ये आपका है सिलेंडर और ये है पिस्टन। इस वक्त इसके अंदर कोई मान लीजिए गैस है, इसी को हम सिस्टम बोल रहे हैं। सर ये कौन सी गैस है? मैंने कहा बड़ो कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, भाप हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकती है।
आप जो भी इसके अंदर मानना चाहे मान लीजिए, और अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं इस गैस की अध्ययन कर रहा हूं तो ये गैस सिस्टम है, अब अगर इसका आप अध्ययन कर रहे हैं तो मानी बात है ऐसा कुछ आयतन है, इसका कुछ गैस का प्रेशर है, इसका टेम्परेचर है, तो मान लीजिए इस अवस्था को जब पिस्टन यहां पे है हम बोल रहे हैं 1-1, तो 1-1 अवस्था पे जो इसके गुणधर्म या प्रॉपर्टी है उसको हम बोल रहे हैं P1 V1 T1। इसका मतलब इस वक्त पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है P1 V1 T1। अब सपोज कीजिए हम कह रहे हैं आपसे कि सिलेंडर की ये वाली जो दीवारें हैं, जो दीवार आप समझ रहे हैं, इसको हम कहेंगे कर्व सरफेस, मतलब वक्र पृष्ठ, जिसको आप सिलेंडर का बेलन का वक्र पृष्ठ बोलते हैं, 2πRL बोलते हैं, 2πRH। अगर हमने इसको इस तरह से हैचिंग कर दी, इसका मतलब क्या है, अब अगर मान लीजिए अंदर का टेम्परेचर हम यहां कह रहे हैं जो गैस है टेम्परेचर जो T1 है सपोज कीजिए मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर का टेम्परेचर वातावरण का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बाहर टेम्परेचर 25 है, अंदर टेम्परेचर 100 है, तो उष्मा क्या होती है, हीट क्या होती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जाती है। लेकिन अगर मैंने इस तरह से हैचिंग बना दी, इसका मतलब मैंने ये कह दिया कि इस दीवार से जो वक्र पृष्ठ है इससे हीट बाहर नहीं जा सकती, भले अंदर टेम्परेचर 100 है बाहर 25 है, लेकिन मैंने ये हैचिंग इस खोपड़ी पे या इस माथे पे नहीं बनाई है, ये दीवार है सिलेंडर की और ये सिलेंडर का माथा है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर हेड, पीछे पड़ चुके हो, इस सिलेंडर हेड पे मैंने हैचिंग नहीं बनाई है, इसका मतलब ये एडियाबेटिक नहीं है। ये कैसी है, अगर एडियाबेटिक नहीं तो डायथर्मिक है, तो डायथर्मिक है तो क्या होगा, मैंने कहा हीट आ भी सकती है, हीट जा भी सकती है। अब अगर तुमने यहां पे आग लगाई और आग लगा के तुमने पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, कोयला जलाया, और टेम्परेचर आ गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर मान लो आ गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदर टेम्परेचर 100 है, तो क्या कर सकते हो तुम, यहां से इसको हीट दे सकते हो। लेकिन एक चीज तय है, ये 100 पे अगर है तो वातावरण का टेम्परेचर 25 है, तो बिना आग जलाए, बिना टेम्परेचर पाए, बिना हीट डेवलप किए इसको हीट नहीं दे पाओगे। सिर्फ यहां कहने का पर्पस क्या है कि तुम माथे से हीट दे सकते हो और चाहोगे आगे चल के तो इस माथे से हीट ले सकते हो। सर मान लीजिए हम आग ना जलाएं तो क्या होगा, मैंने कहा अगर आप आग नहीं जलाएंगे तो चलिए हमने जो आग जलाई थी उसको हम मिटा देते हैं, हमने जो आग जलाई है हमने हटा दी, अगर आग आप नहीं जलाएंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर 100 है, वातावरण जो है 25 पे है, तो क्या होगा, 100 से 25 की तरफ उष्मा बहना शुरू हो जाएगी और अंदर का टेम्परेचर 100 से गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा क्यों होगा, सर दीवार से क्यों नहीं होगा, मैंने कहा भाई मैंने हैचिंग कर दी का मतलब मैं कह रहा हूं दीवार उष्मा रोधी है, मैंने इसकी मल्हम पट्टी कर दी है, इंसुलेशन कर दिया है, ठीक है, अगर मैं खोपड़ी पे खूब टोपी पे टोपी पहन लूं तो क्या होगा, बाहर का वातावरण 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मैंने खूब टोपियां पहन ली हैं, एकदम इसको भर दिया है टोपियों को पहन का, तो बाहर 0 है तो मेरे खोपड़ी से हीट नहीं जा पाएगी, लेकिन मेरे बाकी शरीर में जहां मैंने कंबल नहीं लपेटा है, स्वेटर जैकेट नहीं पहना है, तो 37 से 0 में हीट जाएगी, तो मेरे शरीर के सरफेस से हीट बाहर जाएगी लेकिन मेरे खोपड़ी से नहीं जा पाएगी, क्योंकि मैंने खोपड़ी को एडियाबेटिक कर दिया है। लेकिन मान लीजिए मैं कंबल लपेट के आ जाऊं पूरा ऊपर से नीचे तक, कंबल लपेट के आ गया हूं और खोपड़ी को मैंने खाली रखा, क्या होगा, मेरे शरीर की सतह से हीट बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर 0 है या 5 है या 10 है, मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री है तो 37 से बाहर हीट नहीं जा पाएगी, लेकिन मेरे खोपड़ी से आसानी से हीट जाएगी। तो ये क्या हो गया इस वक्त, डायथर्मिक, और ये क्या हो गया, एडियाबेटिक। तो इस वक्त मैंने क्या दिखाया है, इसको दिखाया है एडियाबेटिक, इसको दिखाया है डायथर्मिक। पीछे मैंने जो बोला है उसको मैं बार बार बोल रहा हूं, चूंकि आगे बहुत बातें होंगी इस बारे में। अब हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पिस्टन 1-1 पे था, ये प्रॉपर्टीज थी P1 V1 T1 इस निकाय की जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सर ये क्या है, मैंने कोई भी गैस है जो भी मान लीजिए, अब आपने इसको हीट दिया, हीट दे पाए, मानी बात है हीट तभी दे पाएंगे जब ये दीवार या ये बाउंड्री उष्मा की चालक होगी, डायथर्मिक होगी, तो मान रहे हैं डायथर्मिक है, मतलब ये अपने में कोई हीट रोकेगी नहीं, जो भी इसको हीट दोगे ये अंदर पहुंचा देगी। सच मायने में ना तो कोई दीवार ना तो कोई बाउंड्री एडियाबेटिक हो सकती है ना कोई डायथर्मिक हो सकती है, लेकिन हम मान रहे हैं कि इस दीवारों से हीट बिल्कुल नहीं जाएगी और इस दीवारों से हीट 100% ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपने हीट दिया, हीट देने से क्या हुआ, हीट देने से ये पिस्टन एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करके 2-2 पे पहुंच गया। अब अगर ये एक्सपेंड करके 2-2 पे पहुंच गया तो मानी बात है वॉल्यूम बढ़ गया। सर वॉल्यूम तो बढ़ गया, सर प्रेशर क्या हुआ होगा, मैंने कहा बेटा वॉल्यूम बढ़ गया ये तो तय है, क्योंकि देखो 1-1 ये था तो वॉल्यूम ये था और 2-2 ये हो गया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, ये तो आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम बढ़ गया ये तो दिख रहा है, वॉल्यूम देखिए अब ये हो गया है पूरा, यहां तक पहले ये था
अब प्रेशर घट गया, हो सकता है घट गया हो, सर प्रेशर वही रहा, ये भी हो सकता है, सर प्रेशर घट गया कि बढ़ गया। मैंने कहा बेटा देखिए वॉल्यूम बढ़ गया ये तय है, तो प्रेशर तो P2 हो गया, सॉरी प्रेशर तो सॉरी वॉल्यूम V2 हो गया, प्रेशर P1 था तो P2 हो गया, प्रेशर P1 था तो P2 हो गया। अब ये कांस्टेंट भी हो सकता है, P2 बराबर P1 भी हो सकता है, और P2 घट भी सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कि ये प्रोसेस किस तरह का है। अगर ये आइसोबेरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, अगर ये आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर गिरेगा। लेकिन एक चीज तय है कि पिस्टन पहले 1-1 पे था, उसकी प्रॉपर्टी थी P1V1T1, अब पिस्टन 1-1 से हटके 2-2 पे आ गया, पिस्टन एक्सपेंड कर गया, इस दौरान क्या हुआ समझिएगा। अब जरा समझिए बेटा कि हमने क्यू हीट सिस्टम को दी, तो क्यू हीट हमने सिस्टम को दी, सिस्टम को हीट मिली कहां से, मिली बाहर से, सिस्टम के बाहर ये है बाउंड्री, इसके बाहर जो है उसको क्या करूंगा सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से क्यू हीट हमने सिस्टम को दी। अब सराउंडिंग में हमने कहा कि आग जलाई उससे हीट दी, तो हीट एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट मिल रही है। तो अब देखिए बेटा हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब चिन्ह परिपाटी। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त हम चिन्ह परिपाटी क्या यूज करते हैं, हीट एडेड टू द सिस्टम, जब भी सिस्टम को हीट देंगे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, तो सिस्टम को हीट मिल रही है क्यू। अब इस हीट मिलने से क्या हुआ, पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, एक तरह से अपनी आइसेन की परिभाषा में पिस्टन ओडीसी की तरफ जा रहा है, तो पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, तो गैस एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब गैस एक्सपेंड कर तो पिस्टन बाहर जा रहा है। अगर पिस्टन के आगे कोई यहां पे कागज की दीवार है, हल्की दीवार है, तो पिस्टन जाकर ठोकेगा, दीवार टूट जाएगी, इसका मतलब ये गैस जब एक्सपेंड कर रही है तो ये वर्क कर रही है, किसके ऊपर, वातावरण के ऊपर। तो समझिएगा बेटा पिस्टन एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, गैस के द्वारा हो रहा है, किस पे हो रहा है, वातावरण पे हो रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस, गैस ही तो हमारा सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, इस दौरान वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। तो अब अगर इस फिगर की हम बात करें बेटा, तो इस फिगर में हमने क्या किया है जरा देखिए, इस फिगर में हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम विल बी पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। अब पिस्टन यहां था, इसको हीट दिया मान लो 100 जूल, सर 100 जूल हीट देंगे तो ये कितना वर्क देगा, सर 100 जूल देगा, मैंने कहा दे सकता है, सर 100 जूल कैसे देगा, मैंने दे सकता है, घबराइए मत, सर 100 जूल हीट देंगे 50 दे सकता है, मैंने कहा 50 दे सकता है, तो आपने 100 जूल हीट दिया, फलस्वरूप 100 जूल हीट दिया कहां से, वातावरण से 100 जूल आपने सिस्टम को हीट दिया, फलस्वरूप इसने कुछ कार्य किया, इस निकाय ने कार्य किया, हो सकता है 100 जूल किया हो सकता है 50 जूल किया हो, वो सब चीजें देखेंगे। तो अब इसने कुछ कार्य किया, तो हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। लेकिन अब एक चीज है, अब सिस्टम 2-2 पे आ चुका है, अब आप चाहते हैं चलिए हम 4-5 लोग मिलके बाहर से इस पे कार्य करते हैं, अब हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, अब हम इसको दबा रहे हैं, अब हम वापस आ रहे हैं, अब हम यहां पे हैं, इस वक्त हम यहां पे हैं एक तरह से 2-2 पे, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे ऊपर वर्क कर रहे हैं, अब हम वर्क कर रहे हैं मतलब वातावरण से, अब हम गैस के ऊपर कंप्रेशन वर्क कर रहे हैं, दबा रहे हैं इसको, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब हम निकाय के ऊपर कार्य कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, वातावरण से, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब भी सिस्टम पे कार्य करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, निगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या, सिस्टम मतलब ये जो गैस है आपकी, एयर, स्टीम, कुछ भी मानिए, इसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या कहलाएगा, निगेटिव। अब जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो इसको वर्क करेंगे तो वर्क और हीट एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, जैसे आप वर्क करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, या वर्क करेंगे तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, अब आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर जुड़ी हुई आगे देखेंगे। अब अगर आप चाहते हैं इसका टेम्परेचर ना बढ़े या कम बढ़े, तो आप जब वर्क कर रहे हैं उसके फलस्वरूप जो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उस ऊष्मा को खोपड़ी से, चूंकि दीवारें तो हमने ऊष्मारोधी मान रखी हैं, दीवारें ऊष्मारोधी हैं, दीवार से ऊष्मा नहीं जा सकती है, तो खोपड़ी से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, तो खोपड़ी से हीट ट्रांसफर होगा मतलब हीट कहां जाएगी, गैस से जाएगी, तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम ये निगेटिव होगा, फलस्वरूप निकाय के द्वारा हीट निकल रही है, निकाय हीट फेंक रहा है, कहां फेंक रहा है, सराउंडिंग में, इसका मतलब हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होगा और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम निगेटिव होगा। तो अब बेटा समझिए जो हमारी चिन्ह परिपाटी होती है, प्लस क्यू हीट एडेड टू द सिस्टम, प्लस W वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस W वर्क डन ऑन द सिस्टम, माइनस Q हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। तो अब यही चिन्ह परिपाटी हम थर्मोडायनेमिक्स में लेके चलेंगे।
ऐसा नहीं कि कोई हम लेके चलेंगे, 99% दुनिया इसी चिन्ह पर पार्टी को लेके थर्मोडायनेमिक्स में चलती है, इसी चिन्ह पर पार्टी से हम सारे अपने काम करेंगे। तो हम 99%, हाँ कहीं कहीं पे रेयर केसेस में इसको उल्टा भी लेके चलते हैं। तो बहरहाल हमने इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या था, एक तरह से ये हमारे क्लोज सिस्टम का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। तो क्लोज सिस्टम का एक ही उदाहरण है, वो है हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सर क्या ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आने और जाने के लिए कोई स्थान नहीं है? मैंने कहा बस यही पे है असली बात। अगर आपने इसमें आने जाने का स्थान मान लिया तो फिर क्लोज नहीं रह जाएगा, इसमें पदार्थ आ सकता है, मैटर आ सकता है, इससे मैटर जा सकता है। उस केस में ये क्लोज नहीं रहेगा, उस केस में ये ओपन हो जाएगा। लेकिन जब हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कह रहे हैं, मतलब न इसमें इनलेट वॉल्व है न इसमें एग्जॉस्ट वॉल्व है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो एक उदाहरण हम बताएंगे, बड़ा रेयर सा उदाहरण है। पर जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम मान रहे हैं क्लोज सिस्टम में, इसमें कोई छेद नहीं है, न वॉल्व है न पोर्ट है, न कुछ आएगा न जाएगा। इसके अंदर जो गैस है उसी को हीट देंगे वो फैल जाएगी, हम वर्क करेंगे वो पिचक जाएगी, गैस फैलती पिचकती रहेगी, आपको वर्क दे देगी, आपसे वर्क ले लेगी, हीट और वर्क का आदान प्रदान होता रहेगा, लेकिन गैस उसके अंदर स्थिर रहेगी। आइए अब बेटा हम लोग चलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हम लोग जब देखेंगे तो इसके फिर उदाहरण देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं ओपन सिस्टम। तो बेटा देखिए ओपन सिस्टम के उदाहरण हैं, सबसे पहले देखिए बेटा हम लोग बोलते हैं मोटर कार का इंजन। अब मोटर कार का मतलब कार का इंजन, ये आईसी इंजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो, तो ये जो है ओपन सिस्टम में आएगा। अब आगे जब चैप्टर 2 में चलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल ये ओपन सिस्टम में आएगा। एनी व्हील, व्हील का मतलब बेटा यहाँ पे चरखी है। देखिए बेटा आपने नाम सुना होगा टर्बाइन का, तरह तरह की टर्बाइन होती हैं। एक होती है वाटर टर्बाइन, हाइड्रोलिक मशीन्स में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी होती है स्टीम टर्बाइन, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट में पढ़ते हैं। तीसरी कहलाती है गैस टर्बाइन, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे चैप्टर 6 में आईसी इंजन में। और एक और टर्बाइन होती है बेटा, जिसको बोल सकते हैं एयर टर्बाइन, जिसको आप लोग विंड मिल बोलते हैं, पवन चक्की, हवा आती है और चलाती है। ये सारी टर्बाइन जो हैं ये ओपन सिस्टम होती हैं। ये क्या करती हैं अभी हल्का सा बात करेंगे, लेकिन एक चीज आप समझ रहे हैं, स्टीम टर्बाइन हो, वाटर टर्बाइन हो, गैस टर्बाइन हो, एयर टर्बाइन या विंड मिल हो, सब ओपन सिस्टम में आएंगे। अब इसके अलावा बेटा कुछ हमारे थर्मल में बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कह लीजिए या डिवाइसेस कह लीजिए हैं, जिनका आप नाम सुने हैं और हम लोग चैप्टर के नाम से पढ़ते भी हैं। बॉयलर, थर्मल पावर प्लांट जब पढ़ते हैं हम लोग तो बॉयलर पढ़ते हैं 15-20 घंटे में। कंडेंसर, उसके बाद पंप, ये हाइब्रिड्स में पढ़ते हैं। कंप्रेसर, यहां पढ़ रहे हैं आप नोजल, डिफ्यूजर, बल्कि पंप कंप्रेसर के आगे आप और लिख सकते हैं टर्बाइन, पंप कंप्रेसर टर्बाइन। अब ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है ओपन सिस्टम है। तो अब देखिए बेटा, अगर क्लोज सिस्टम का उदाहरण पीछे हम लोगों ने लिया था तो प्रैक्टिकली एक उदाहरण हमारे थर्मल से था, जिसको हम लोगों ने बोला था यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इसके अलावा बॉम्ब कैलोरीमीटर, प्रेशर कुकर या मोटर कार की बैटरी, ये सब भी क्लोज सिस्टम के उदाहरण हैं, लेकिन मेन था हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। लेकिन ये भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का उदाहरण आपको थर्मल में कहीं मिलेगा नहीं, एक जगह पे छोड़ के, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो डैशपॉट सिस्टम होता है वो होता है शॉक ऑब्जर्वर। अदरवाइज आप देखिए कि हमारे थर्मल में जो अधिकतर कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेज हैं वो सब ओपन सिस्टम है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में जानकारी करते हैं। अब देखिए बेटा, ये हमने दिखाने की कोशिश की है कोई भी व्हील। अब ये क्या है बेटा, देखिए ये हमारा शैफ्ट है, इस शैफ्ट के ऊपर हमारे ब्लेड लगे हुए हैं। अब ये कोई फ्लूड है, अब ये फ्लूड क्या हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, यस सर। ये स्टीम हो सकती है, यस सर। ये कोई भी गैस हो सकती है, ये मिक्सचर ऑफ गैस हो सकती है, या ये एयर हो सकती है। अब आने वाला फ्लूड अगर स्टीम है तो ये स्टीम टर्बाइन, आने वाली फ्लूड अगर कोई गैस है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस हैं, कंबशन गैसेस हैं, कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाते हो तो जो गैसेस बनती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लू गैस वो है, तो ये गैस टर्बाइन है। और अगर सिर्फ उसमें जलवाष्प आ रही है, H2O पानी की वाष्प आ रही है, सुपरहीटेड स्टीम है या ड्राई स्टीम है, तो कहलाएगी स्टीम टर्बाइन। और एयर आ रही है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सर आ रही है, तो कहलाएगा। लेकिन जो भी टर्बाइन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई ना कोई फ्लूड आएगा, लेकिन जब फ्लूड आएगा या एंट्री करेगा उस वक्त इसके पास एनर्जी हाई होगी, जिसको हम लोग आगे चल के बोला करेंगे एंथैल्पी हाई होगी। ये आके क्या करेगा, इस ब्लेड पे टकराएगा, तो इसकी जो फ्लूड की एनर्जी है वो परिवर्तित होगी कार्य में, तो आपको जो वर्क मिलेगा वो इस एंथैल्पी या जो आपकी एनर्जी है उससे कन्वर्ट होगा और फिर यहां से फ्लूड निकल जाएगा। तो मानी बात है जो फ्लूड आएगा वो निकल जाएगा,
तो अब ये जो हमने घेरा बना रखा है लाल रंग का, ये एक तरह से बाउंड्री को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप जब सिस्टम को चूज करेंगे तो इस घेरे को आप चूज कर सकते हैं। आप घेरा ऐसा ले सकते हैं, आप घेरा थोड़ा अंदर ले सकते हैं, आप घेरा थोड़ा बाहर ले सकते हैं। लेकिन ये जो भी हमारी बाउंड्री है, इसको हम लोग ओपन सिस्टम में बाउंड्री नहीं कहते, इसको हम लोग कंट्रोल सर्फेस कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है हमारी रेड कलर से कंट्रोल सर्फेस है। अब जो भी व्यक्ति सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है, ओपन सिस्टम की एनालिसिस कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाउंड्री कहां पे चुनता है। लेकिन एक बार उसने बाउंड्री जहां पे चुन ली, उसके बाद उसके अंदर उसकी स्टडी होगी। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं आपको कि फ्लूड आएगा हाई एनर्जी से, मान लीजिए ई जो है एनर्जी जो भी है वो हाई है, और जब जाएगा तो उसकी एनर्जी लो होगी। तो ये वर्क क्या होगा? ये वर्क होगा हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी। कहने का मतलब एनर्जी लो क्यों हो गई? वर्क में परिवर्तित हो गई। अब ये हमारी जितनी भी टर्बाइन है, ये सब ओपन सिस्टम में आएंगी। अब ये ओपन सिस्टम में टर्बाइन आएंगी तो इस पर कौन से फॉर्मूले लगेंगे? वो थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है। लेकिन एक चीज तय है कि मास आया और क्रॉस कर गया। ये हमारी जो बाउंड्री है, जिसका कि नया नाम ओपन सिस्टम में है कंट्रोल सर्फेस, कंट्रोल सर्फेस को क्रॉस कर गया और एनर्जी जो है वो भी बाउंड्री क्रॉस कर रही है। तो ये हमारी टर्बाइन जो हैं, ये सारी की सारी ओपन सिस्टम में हैं। सिर्फ इन तीनों फिगर में फर्क क्या है? इन तीनों फिगर में फर्क है कि जो इसकी एनालिसिस कर रहा है ऑब्जर्वर या प्रेक्षक, उसने जो बाउंड्री है या जिसको हम बोल रहे हैं कंट्रोल सरफेस है, वो अलग अलग चूज की है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज तीनों सेम है। यहां पे तीन अलग अलग कंट्रोल सरफेस को चूज करने का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए कुछ थर्मल में हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कह लीजिए या डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में हल्का सा ज्ञान डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए ये बी का मतलब है बॉयलर, बी फॉर बॉयलर। देखिए बी फॉर बॉयलर, बॉयलर में करते क्या है बेटा? हम लोग पानी लेते हैं और पानी से भाप बनाते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह बोलें, पानी की जगह हम कह सकते हैं कोई भी लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड की वेपर बनाते हैं। अब वो लिक्विड अगर H2O है तो उसका नाम होता है वाटर, और वही लिक्विड जो है जब वो वाटर वेपराइज हो जाता है तो उसको बोलते हैं भाप। तो वैसे तो हम लोग जनरली बोलते हैं बॉयलर क्या है? पानी से भाप बनाते हैं। पानी से भाप बनेगी कैसे? पानी गर्माएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर लेटेंट हीट खाएगा, फिर भाप बन जाएगा। तो इस केस में हम लोग करते क्या है? अगर हम लोग इस बॉयलर को, इस घेरे को हम लोग वह स्थान मान रहे हैं जहां पे स्टडी कर रहे हैं, तो पानी आया और भाप बन के निकल गया। तो इसका मतलब जो मास है उसने बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। और जो हमारी बॉयलर में करते क्या? पानी से भाप बनाते हैं। पानी से भाप कैसे बनेगी? जब उसको आप हीट देंगे। इसका मतलब हम इसको हीट देते हैं। अब इस केस में बॉयलर में हम वर्क नहीं देते और ना हमें बॉयलर से कोई वर्क मिलता है। तो बॉयलर क्या करता है? बॉयलर में अगर हम कहें क्यू, क्यू का मतलब हीट, हीट ट्रांसफर होता है, यस सर। अब अगर हम बॉयलर को सिस्टम मान रहे हैं तो इसको हीट मिल रही है कि इससे हीट निकल रही है? हीट एडेड टू द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन इस केस में वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना तो हम बॉयलर को वर्क देते हैं ना हम बॉयलर से वर्क लेते हैं। तो बॉयलर के केस में हीट ट्रांसफर होता है, यस सर। बॉयलर केस में वर्क ट्रांसफर होता है, नो सर। और हीट ट्रांसफर जो होता है कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हीट ट्रांसफर यहां पॉजिटिव होता है, वर्क ट्रांसफर यहां जीरो होता है, मतलब होता ही नहीं। लेकिन इस बॉयलर का उल्टा होता है सी। सी का मतलब यहां कंप्रेसर नहीं है, सी का मतलब है कंडेंसर। कंडेंसर ठीक बॉयलर का उल्टा होता है, इसीलिए देखिए मैंने बॉयलर के साथ कंडेंसर लिया है। अब कंडेंसर में क्या होता है? स्टीम आती है या कह सकते हैं वेपर आती है। अब आपने पानी को हीट दी थी तो भाप बन गया था। अगर भाप में से हीट निकाल लीजिए तो पानी बन जाएगा। तो भाप आई, आपने उसमें से हीट निकाल ली तो वो पानी बन गया। तो भाप आई और पानी बन के निकल गया, मास ने बाउंड्री क्रॉस कर ली और सिस्टम से हीट निकल गई। सिस्टम से हीट निकल गई मतलब हीट ने भी बाउंड्री क्रॉस कर ली, तो हो गया ओपन सिस्टम। लेकिन इस केस में हीट ट्रांसफर होगा, यस सर। प्लस की माइनस, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हमारा सिस्टम है कंडेंसर। कंडेंसर के द्वारा क्या हुई? हीट एटमॉस्फेयर में फेंकी गई है तो हीट ट्रांसफर हो गया नेगेटिव। क्या इसमें वर्क का लेन देन होता है? नो सर। कितना होता है? जीरो, ना प्लस ना माइनस। इसमें वर्क ट्रांसफर नहीं होता, हीट ट्रांसफर होता है। ओके आई। तो बॉयलर कंडेंसर हम लोग साथ साथ क्यों लेते हैं? क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। बॉयलर और कंडेंसर एक दूसरे के उल्टे हैं। आइए इसके बाद नया देखते हैं हम लोग, टर्बाइन और कंप्रेसर। अब बेटा देखिए जब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो देखिए बेटा ये हमारा बॉयलर कंडेंसर फिलहाल आईसी इंजन में तो नहीं आएगा, ये बॉयलर कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट में आएगा। तो बॉयलर कंडेंसर कैसे होते हैं? ओपन सिस्टम की क्लोज, ओपन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉयलर कंडेंसर में जो नियम कानून लगेंगे वो कैसे लगेंगे? ओपन सिस्टम के। ओपन सिस्टम के कुछ कानून अलग होते हैं और क्लोज सिस्टम के कुछ कानून अलग होते हैं, खासकर वर्क के लिए। तो वर्क जब हम निकालते हैं
ओपन सिस्टम का और वर्क जब हम निकालते हैं क्लोज सिस्टम का तो फॉर्मूला अलग होता है, ग्राफ पे इसको अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो लेकिन इसका फिलहाल आईसी इंजन में इस्तेमाल नहीं पड़ेगा, इस्तेमाल पड़ेगा ही नहीं, खूब पड़ेगा इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में। तो थर्मल पावर प्लांट में इसको डिटेल में देखेंगे अभी आगे। हाँ, लेकिन टर्बाइन का और कंप्रेसर का इस्तेमाल पड़ेगा किस चैप्टर में, गैस टर्बाइन जब पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा देखते हैं टर्बाइन क्या है। देखिए बेटा, इसमें हाई प्रेशर पे ये P1 है और ये P2 है, यहाँ पे बेटा लिखना मिस कर गए हम लोग, ये P1 है और ये P2 है। इस केस में जो है P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब हाई प्रेशर के ऊपर फ्लूड आ रहा है और जो फ्लूड आ रहा है उसके पास जो ऊर्जा है, मानी बात है एनर्जी हाई है, और जो निकल रहा है उसके पास ऊर्जा लो है। तो हाई फ्लूड पे प्रेशर, हाई प्रेशर पे फ्लूड आया और टर्बाइन में एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया मतलब प्रेशर गिर गया। तभी तो देखो P1 बड़ा है, P2 छोटा है, प्रेशर गिरा और इस दौरान उसकी एंथैल्पी में गिरावट हुई या उसकी ऊर्जा में गिरावट हुई और जो ऊर्जा में गिरावट हुई वही कार्य के रूप में परिवर्तित हुई। तो हमें टर्बाइन क्या करती है, टर्बाइन हमें कार्य देती है। अब देखिए बेटा, टर्बाइन के केस में जो आदर्श टर्बाइन होती है उसमें हम लोग इस तरह से हैचिंग कर देते हैं। अब अगर आप समझ रहे हो इस तरह से हैचिंग करने का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी टर्बाइन जो है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब न इससे हीट आ सकती है न इसमें हीट जा सकती है। लेकिन ये आदर्श टर्बाइन की बात हो रही है, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, आप कितनी भी मलम पट्टी कर दीजिए प्रैक्टिकली इससे हीट निकलती है। तो प्रैक्टिकली जब कहते हैं तो टर्बाइन से कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है, बट हम आदर्श रूप में कहते हैं कि अच्छी टर्बाइन या आदर्श टर्बाइन वो है जिसमें से हीट लॉस ना हो, अर्थात जो भी हम फ्लूड दे रहे हैं उसकी जो एंथैल्पी गिर रही है, जो उसकी हीट है पूरी पूरी कार्य में कन्वर्ट हो, मैक्सिमम हीट कार्य में कन्वर्ट हो। अब बेटा इस केस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो, मतलब टर्बाइन में हम मानते हैं कि हीट ट्रांसफर जीरो होता है, अर्थात ये एडियाबेटिक डिवाइस है। अब हम यहां पे हैचिंग खींचे तो भी ठीक और न खींचे तो भी ठीक, तो हमने यहां लिख दिया Q बराबर जीरो। इसका मतलब ये कैसी डिवाइस है, एडियाबेटिक है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जो फ्लूड है उसके अंदर एंथैल्पी है, उसके अंदर टेम्परेचर है, लेकिन हम इसको कुछ हीट देंगे या इससे हीट लेंगे ऐसा नहीं होगा, हीट का लेन देन नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा मैं पढ़ाने आया आज और मैंने न किसी को पैसे दिए न मैंने किसी से पैसे लिए, तो अगर मैंने आज किसी से पैसे नहीं दिए नहीं लिए इसका यह मतलब नहीं कि मेरे जेब में पैसे नहीं हैं, मेरे जेब में जितने पैसे थे वो मैं लेके आया हूं और शाम को सब्जी भाजी खरीद घर जाऊंगा तो मेरे घर में जो सब्जी पहुंचेगी तो मेरे घर में सब्जी पहुंच जाएगी, लेकिन मेरे जेब में पैसे थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन कोचिंग में मेरा पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, ना कुछ मिला ना मैंने दिया, मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब इस टर्बाइन में हीट का लेन देन नहीं होगा, ये जो आ रही है इसके पास एंथैल्पी है, एक तरह से आप कह सकते हैं टेम्परेचर भी है, इसके पास ऊर्जा भी है, और जब निकल रही है तो उसके पास ऊर्जा है, लेकिन ये ऊर्जा ज्यादा है ये ऊर्जा कम है, और जो ऊर्जा में गिरावट हुई है यही कार्य में परिवर्तित हुई है। यहां पे WT का मतलब है वर्क ऑफ टर्बाइन। इसका मतलब टर्बाइन से कार्य मिलता है कि टर्बाइन पे कार्य खर्च करते हैं। सर अगर टर्बाइन सिस्टम है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो WT क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब टर्बाइन का वर्क जो होता है यस सर, प्लस की माइनस सर प्लस, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसी का उल्टा है कंप्रेसर। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में कोई फ्लूड आता है और फिर वो निकलता है, इसका मतलब यहां पे एंटर किया और यहां से निकल गया, आया था P1 प्रेशर पे गया है P2 प्रेशर पे, यहां पे P1 जो है वो कम है P2 से, अर्थात प्रेशर बढ़ गया, P1 कम है P2 ज्यादा है, या उल्टा कह सकते हैं P2 इज ग्रेटर देन P1, प्रेशर बढ़ गया। सर प्रेशर कैसे बढ़ गया, मैंने कहा हमने इसके ऊपर कार्य किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सर कार्य कहां से करेंगे, हमने कहा बिजली की मोटर है उसको बिजली दे दो चलाओ उससे कर लो, या कोई इंजन लगाओ उससे कर लो, हमने कहीं ना कहीं से कार्य इसको दिया। तो अब कंप्रेसर में क्या है, यहां पे भी ध्यान रहे बेटा, हम कहें या ना कहें कंप्रेसर को भी हम लोग एडियाबेटिक मानते हैं, मतलब इसमें भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो कंप्रेसर में क्यू बराबर जीरो, मतलब ना हीट देंगे ना लेंगे। सर वर्क ये देगा नहीं, ये वर्क देगा नहीं, ये वर्क खाएगा। सर वर्क खा के क्या करेगा, वर्क खा के जो हमारा फ्लूड है, जो हमारी एयर है, जो हमारी गैस है, उसका प्रेशर बढ़ाएगा। यहां क्या हो रहा है, वर्क होगा यस सर, प्लस की माइनस माइनस, हीट ट्रांसफर होगा नहीं सर जीरो, या हीट ट्रांसफर नहीं होगा जीरो, ना हीट देगा ना लेगा, मतलब ये भी एडियाबेटिक डिवाइस है। लेकिन समझिएगा ये एडियाबेटिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है और ये एडियाबेटिक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो ये एडियाबेटिक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये एडियाबेटिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। अब इससे ज्यादा हम लोग जब आगे धीरे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। हाँ, इसको वर्क निकालने का फॉर्मूला जो होगा, यहां पे वर्क निकाल पाएंगे, देखिए यहां पे तो आप वर्क निकालने की कोशिश करेंगे तो वर्क जीरो आएगा, यहां पे वर्क निकालने की कोशिश करेंगे तो वर्क आएगा, यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा।
बट इस दोनों में और इस दोनों में वर्क निकालने का जो फॉर्मूला है वो सेम लगेगा। क्यों? चूंकि ये भी ओपन सिस्टम है और ये भी ओपन सिस्टम है। ये अलग बात है कि वो फॉर्मूला जो यहां पे लगाएंगे तो वर्क जीरो आएगा, यहां पे जब वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे वाला तो यहां वर्क पॉजिटिव आएगा, यहां पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्क निगेटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से बहुत पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत जानते हैं वो ही शायद जानते हो, और जो पहली बार देख रहे हैं हो सकता है तो ना जानते हो, तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं ताकि ये छोटी सी मिस्टेक है और इंटरव्यू में अक्सर ये पूछी जाती है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। आइए अब देखिए बेटा, जो हमारा टर्बाइन है उसका सिंबल कैसा है? ये टर्बाइन का सिंबल एक तरह से बेटा ट्रिपोजाइडल है। ट्रिपोजाइडल का मतलब संबलम के आकार का है, लेकिन जहां पे एंट्री हुई है वहां पे देखिए ये लाइन छोटी है, और जहां पे एग्जिट हो रहा है वो ये लाइन बड़ी है। जबकि कंप्रेसर देखिए, कंप्रेसर में भी ये ट्रिपोजाइडल या संबलम के आकार का है, लेकिन जहां पे एंट्री हुई है वो लाइन बड़ी दिखाई गई है, जहां पे एग्जिट हो रहा है वो लाइन छोटी दिखाई गई। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, टर्बाइन में होता क्या है? कोई भी फ्लूइड आता है हाई प्रेशर पे और निकलता है लो प्रेशर पे, अर्थात जो फ्लूड है उसका प्रेशर हाई है जब आया। मान लीजिए जो फ्लूड आ रहा है वो 10 बार पे है और जो निकल रहा है मान लीजिए वो 1 बार पे है। अब जरा समझिएगा कि ये 10 बार पे जो फ्लूड है कितना, मान लीजिए 1 kg भाप है। अब 1 kg भाप जब 10 बार पे है, 10 बार पे 1 kg भाप है तो कितना आयतन घेरेगी? कम घेरेगी। लेकिन जब ये एक्सपेंड होगी, 10 kg की है 1 kg भाप, 9 kg की है 1 kg भाप, 5 kg की है 1 kg भाप, 1 kg 3 बार की है 1 kg भाप, मैं गलत बोल रहा शायद, फिर से बोलता हूं बेटा, ये 1 kg भाप है 10 बार की, ये 1 kg भाप है 5 बार की, ये 1 kg भाप है 3 बार की, और ये 1 kg भाप है 1 बार की। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा वही जो भाप है वो ज्यादा स्थान घेरेगी, मतलब जब प्रेशर हाई होता है तो आयतन कम घेरेगी, क्योंकि गैस या गैस बोलो भाप बोलो ये जो भी है क्या है, कंप्रेसिबल सब्सटेंस है, इनको संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इनको दबाओगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और जब प्रेशर कटेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते चले जाएंगे। तो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल सब्सटेंस, लिक्विड्स उतने कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये इस वक्त क्या है, आयतन कम है, जब प्रेशर ज्यादा है तो आयतन कम है, और जब प्रेशर कम हो गया तो आयतन ज्यादा हो गया। अब समझिए, जब आया है तो हाई प्रेशर है तो जो भी तुम्हारी भाप है या जो भी गैस है उसको रखने के लिए आपको कम आयतन की जरूरत पड़ी, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहा है मतलब प्रेशर गिर रहा है, प्रेशर गिर रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इसका मतलब टर्बाइन में एंट्री पे एरिया कम दिखाई जाएगी, क्योंकि हम यहां पे 2 dimension देख रहे हैं, लाइन दिखाई दे रही है, एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम होगा, और जैसे ऐसे निकलेगा बढ़ता जाएगा, स्टीम के अंदर एक्सपेंड करती जाएगी, प्रेशर गिरता जाएगा, आयतन बढ़ता जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका मतलब टर्बाइन के एंट्री पे स्थान कम और टर्बाइन के एग्जिट पे स्थान ज्यादा रहेगा। लेकिन कंप्रेसर में क्या होगा, उल्टा होगा। कंप्रेसर में क्या हो रहा है, मान लीजिए सर कंप्रेसर में 1 bar पे एयर आ रही है और आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क करके इसका प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं, मान लीजिए 10 bar कर दे रहे हैं। अब मान लीजिए 1 bar पे एयर है तो उसका आयतन ये था, 2 bar पे ये हो गया, 3 bar पे ये हो गया और 10 bar पे ये हो गया। इसका मतलब जब एयर 10 bar पे निकलेगी तो उसको उसका आयतन कम हो गया, तो जगह क्या चाहिए, कम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देख रहे हैं, तो शुरू में स्थान ज्यादा होगा और बाद में स्थान कम होगा। इसका मतलब अब आप समझ पा रहे हैं, सिंबल को देख के आप बता सकते हैं कि टर्बाइन का सिंबल है कि कंप्रेसर का है। तो अब आप क्लियर हो गया कि टर्बाइन में, अब ऐसा इसका मतलब बताना क्या चाहता हूं, देखिए कभी गलती से आप ऐसा मत बना, जो अगर आपने ऐसा बना दिया तो हो सकता है आप हंसी के पात्र बन जाए। सपोज कीजिए मैं बना रहा हूं आपके लिए, मैं टर्बाइन बना रहा हूं, मैंने कहा यह मेरी स्टीम टर्बाइन है, जरा देखिएगा इसमें फ्लूड आया और इससे फ्लूड निकला और इसने मुझे वर्क दिया W, क्या सही बना, नहीं, इसमें फ्लूड आया ये बात सही है, इससे फ्लूड निकला ये बात सही है, इसने मुझे वर्क दिया वर्क डन बाय द सिस्टम ये बात भी सही है, लेकिन आपने जब आया है फ्लूड तो उसके लिए ज्यादा स्थान दिखाया है, जबकि जो फ्लूड आया है वो हाई प्रेशर पे है और जब निकल रहा है तो आपने कम स्थान दिखाया है, तो होना क्या चाहिए था, सिंबल उल्टा बन गया, सिंबल को हमें ऐसा बनाना चाहिए था,
तो आप हमेशा ध्यान रखें टरबाइन का और कंप्रेसर का सिंबल बनाते वक्त गलत ना बन जाए। मैंने सिंबल को बनाते वक्त आपको इस बात को ध्यान रखने के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आप हमारा टरबाइन कंप्रेसर क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, लेकिन दोनों कैसी है, एडियाबेटिक। जबकि ये क्या थी, असल ये एडियाबेटिक है बेटा। एडियाबेटिक का मतलब हीट दे नहीं पाओगे, बॉयलर में वर्क ना देते हैं ना लेते हैं। जब वर्क जीरो होता है बेटा तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी डिवाइस को बोलते हैं एरोगोनिक डिवाइस। आगे आएगा एरोगोनिक डिवाइस। लेकिन हाँ हीट ट्रांसफर होगा, यस सर, इसमें हीट दी जाएगी इसमें हीट ली जाएगी। तो ये दोनों एडियाबेटिक डिवाइस नहीं है, नहीं सर बिल्कुल नहीं सर, यहां पे तो हीट ट्रांसफर होना ही है। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा सर, हीट देंगे नहीं ना लेंगे तो कैसे होगा सर, हीट देनी पड़ेगी पानी को भाप बनाने के लिए और भाप से हीट निकालनी पड़ेगी उसको कंडेंस करने के लिए या द्रवित करने के लिए, संघनित करने के लिए। ठीक है बेटा, आइए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, पंप एंड कंप्रेसर। अब बेटा थोड़ा डिटेल में हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं पंप और कंप्रेसर दोनों एक तरह के होते हैं। पंप में क्या हुआ, फ्लूड आया P1 प्रेशर पे, मान लीजिए 1 बार पे फ्लूड आया और निकल गया 10 बार पे। अब 1 बार पे फ्लूड आया 10 बार पे निकल गया, मतलब प्रेशर बढ़ गया, फोकट पे तो बढ़ेगा नहीं, आपने इस पे वर्क दिया। यहां पे क्या हुआ, 1 बार पे फ्लूड आया मान लीजिए और 10 बार पे निकल गया। सर यहां पे भी 1 बार पे आया, यहां पे भी 10 बार पे निकल गया, 1 बार पे आया और 10 बार पे निकल गया फ्लूड। सर यहां पे भी 1 बार पे आया आप कह रहे हैं और 10 बार पे निकल गया, तो सर दोनों में तो सेम है। मैंने कहा नहीं, फर्क यह है कि हम अगर इसमें जो आने वाला फ्लूड है वो लिक्विड अगर है तो हम बोलते हैं पंप, और अगर ये गैसियस है, एयर है या कोई गैस, बेटा एयर भी तो गैस है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण ही तो है, एयर है या कोई भी गैस है या कह दीजिए गैसियस मीडियम है तो जो है कंप्रेसर। तो पंप और कंप्रेसर दोनों ही क्या है, प्रेशर बढ़ाती है, दोनों ही क्या है, ओपन सिस्टम है। पानी आया पानी निकल गया, एयर आई एयर निकल गई, तो दोनों ही ओपन सिस्टम है, दोनों ही प्रेशर बढ़ाती है, दोनों ही वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हैं, दोनों में वर्क खर्च होता है, ये बात दिखाई गई। तो आप पंप में देखिए हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर होता है यस, प्लस की माइनस माइनस। कंप्रेसर में हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर होता है यस, प्लस की माइनस माइनस, तो दोनों ही है। तो क्यों दिखाया है मैंने, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि लिक्विड को जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बोलते हैं पंप, और जब गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो बोलते हैं कंप्रेसर। जरा समझिएगा, घर में जो हमारे पानी आता है उसको पंप से चढ़ा के ऊपर चढ़ा, क्या पंप ऑन कर दो भाई, पानी ऊपर चढ़ना टंकी में, आप करते क्या हो, पानी को ऊपर चढ़ाते हो प्रेशर बढ़ा के, तो आप बोलते हो पंप। जाते हो अपनी साइकिल में हवा भरानी है, बाइक के पहिए में हवा भरानी है, कार में हवा भरेंगे, बोलते हो या कंप्रेसर चल रहा है भैया हवा भर दो, तो वहां पे भी क्या है, तो वहां पे एयर है तो वो चीज कंप्रेसर है, यहां पे पानी है तो यही पंप है। तो आप जब यूज करते हो तो बोलते हो ऑयल पंप। ऑयल क्या है, लिक्विड। डीजल इंजन पढ़ा आपको, जो फ्यूल पंप हमारा होता है डीजल का वो बढ़ाता है आपका प्रेशर, उसको बोलते हैं ऑयल पंप या लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप। तो वहां पे चूंकि ऑयल है लिक्विड है तो हम बोलते हैं पंप, लेकिन जब भी कभी गैस होती है तो बोलते हैं कंप्रेसर, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेसर, ऑक्सीजन कंप्रेसर या एयर कंप्रेसर। तो वर्किंग मीडियम अगर फ्लूड जो वर्किंग मीडियम है या सिस्टम है वो अगर गैसियस मीडियम है तो कंप्रेसर और लिक्विड है, बाकी चीज सेम है, दोनों का प्रेशर बढ़ेगा, दोनों वर्क खाएंगे, दोनों ओपन सिस्टम है। तो मैंने इस चीज को बताने की कोशिश की। अब बेटा हम लोग एक चीज देखते हैं नोजल। अब नोजल क्या होती है बेटा, सब फ्लूड आया P1 प्रेशर पे V1 प्रेशर पे और निकला है P2 प्रेशर पे V2 पे। अब जरा देखिए P2 इज लेस देन P1, इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, गिर गया। P1 ज्यादा था P2 कम है, P2 कम है P1 ज्यादा है, प्रेशर गिर गया लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई। तो नोजल क्या होती है, नोजल एक डिवाइस होती है जो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, नोजल में हीट ट्रांसफर जीरो, नोजल में वर्क ट्रांसफर भी जीरो, इसका मतलब नोजल में ना कुछ देते हैं ना लेते हैं सर, इसमें ना कुछ देते ना लेते हैं, हीट भी नहीं दिया वर्क भी नहीं दिया, तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। मैंने कहा नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो गया, ये ओपन सिस्टम हुआ। नहीं सर आइसोलेटेड हो गया, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर जीरो। मैंने कहा नहीं, जरा पीछे देखो, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता था, आइसोलेटेड सिस्टम में मास ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए। आपकी बात तो सही है कि हीट और वर्क दोनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन क्या मास का ट्रांसफर हो रहा है, यस सर। फ्लूड आया पानी आया या एयर आई या गैस आई और निकल गई, फर्क क्या हुआ, यहां प्रेशर ज्यादा था वेलोसिटी कम थी, और यहां पे क्या हो गया, प्रेशर गिर गया वेलोसिटी बढ़ गई। तो एक तरह से जो फ्लूड है उसको आपने कोई एनर्जी नहीं दी, ना हीट के रूप में दी ना वर्क के रूप में दी, लेकिन उस फ्लूड ने अपनी प्रेशर एनर्जी को गिरा लिया और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लिया, क्योंकि एनर्जी ना तो उत्पन्न होती ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जो फ्लूड आया उसकी एनर्जी जो थी और जो फ्लूड निकला उसकी जो एनर्जी है वो सेम है, अगर ये 10 जूल था तो ये भी 10 जूल है, लेकिन यहां प्रेशर एनर्जी थी 8 जूल, काइनेटिक एनर्जी थी 2 जूल। यहां पे क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी हो गई 2 जूल, काइनेटिक एनर्जी हो गई 8 जूल।
का मतलब प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन इसको हमने नोजल को न हीट दी न ली, ना नोजल को हमने वर्क दिया न लिया। तो नोजल के लिए हम लोग बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर दोनों जो होते हैं वो जीरो होते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर होने का मतलब एनर्जी ट्रांसफर जीरो होता है ना, एनर्जी देते, लेकिन उसके बावजूद ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ये ओपन सिस्टम है। आइए इधर देखें हम लोग, नोजल तो हो गया, नोजल का दूसरा अपोजिट क्या होता है, डिफ्यूजर। डिफ्यूजर में क्या होता है, जो फ्लूड आता है उसका हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं, मीन्स वेलोसिटी घटा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब नोजल एक डिवाइस है जो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और डिफ्यूजर इसका उल्टा है जो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसकी वेलोसिटी जब है आगे निकलेगी तो घट जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। फ्लूड आ रहा है 1 बार पे और 50 मीटर पर सेकंड पे, निकलेगा 10 बार पे और हो सकता है 12 मीटर पर सेकंड पे, तो वेलोसिटी घट जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। इस केस में भी ना हम हीट देंगे ना वर्क देंगे, ना हीट लेंगे ना वर्क लेंगे, इसका मतलब हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर जीरो होगा, लेकिन इसके बावजूद इसको आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि इसमें मास बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। तो अब बेटा मैंने आपको कुछ ओपन सिस्टम डिवाइसेस के बारे में नाम बताया और उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है हल्का सा आइडिया दिया। आप ये कतई मत समझिएगा कि इस डिवाइस की पढ़ाई हो गई, इस डिवाइस की पढ़ाई डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट चैप्टर्स में डिटेल में होती है जो कि हम लोग करते हैं। फिर अभी आपको ये समझ में आया कि कम से कम ये सब ओपन सिस्टम है और हमारे थर्मल में ज्यादातर हमारा पाला ओपन सिस्टम पे पड़ता है। तो ओपन सिस्टम के वर्क को निकालने का फॉर्मूला अलग है, क्लोज सिस्टम के वर्क को निकालने का फॉर्मूला अलग है, इस चीज को आपको दिमाग में ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी। अब देखिए एक तरह से हम लोग जब फर्स्ट डे पढ़ाई फर्स्ट डे क्या मतलब शुरुआत जो आज की थी हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि हमें जो पढ़ाई करनी है उस पढ़ाई में हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो हम लोगों ने सिस्टम सराउंडिंग के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा बाउंड्री को समझा, उस बाउंड्री में एडियाबेटिक और डायथर्मिक बाउंड्री समझा। एडियाबेटिक मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, हैचिंग से प्रदर्शित करते हैं, न भी प्रदर्शित करें मुंह से हमने एडियाबेटिक बोल दिया तो मान जाएगा हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और डायथर्मिक का मतलब परफेक्ट हीट ट्रांसफर होगा, कोई उसमें अवरोध या रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब पूरी पूरी हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन मैंने साथ साथ आपको ये भी बोला है कि प्रैक्टिकल सेंस में ना तो कोई बाउंड्री एडियाबेटिक हो सकती है, ना कोई दीवार एडियाबेटिक हो सकती है और ना कोई दीवार डायथर्मिक होती है। लेकिन अगर उसमें हीट आसानी से आ जा रही है तो हम डायथर्मिक मान के पढ़ते हैं, और अगर उसमें हीट आसानी से आ जा नहीं पा रही है, हम हीट को रोक रहे हैं, काफी हद तक रोक पा रहे हैं, भले 100% ना रोक पाए, तो इंसुलेशन कर दिया है हमने, हीट को जाना नहीं देना चाह रहे हैं, तो हम बोलते हैं एडियाबेटिक। फिर हमने पढ़ा तीन तरह के सिस्टम होते हैं, क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड। तो हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा, क्लोज सिस्टम में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कैसे वर्क दे रहे हैं, कैसे हीट मिल रही है, कन्वेंशन है, चरण प्रॉपर्टी क्या है वगैरह। अब हम लोग बेटा थोड़ा सा इसके सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पे। इस एनर्जी वाले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, तो आइए थोड़ा प्रॉपर्टीज पे बात चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बेटा प्रॉपर्टीज पे, आइए थोड़ा सा हम लोगों ने इतना कवर कर लिया, आइए प्रॉपर्टी। अब जरा देखिए बेटा यहां पे अगर आप देखें तो ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। अब यहां पे देखिए एम बराबर 2 kg है, और यहां पे देखिए ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, यहां पे भी एम बराबर 2 kg, मतलब मास में कोई परिवर्तन नहीं हो गया, लेकिन यहां पिस्टन नीचे था, यहां पिस्टन ऊपर है। अब ग्राफ पे ये दोनों स्थितियां दिखाई गई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से ये वाली स्थिति कौन सी है और ये वाली स्थिति कौन सी है, आपको लिखना है कौन सी 1 है कौन सी 2 है, तो आप बता सकते हैं, और बता सकते हैं यहां पे वॉल्यूम इतना है, यहां पे वॉल्यूम इतना है। अगर हम वॉल्यूम एक्सिस पे चलें सर, तो ये वाला वॉल्यूम कम है और ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जहां वॉल्यूम कम है, जहां वॉल्यूम कम है वो है 2, और जहां वॉल्यूम ज्यादा है वो है 1। इसका मतलब आपने इस गैस की जो अवस्था है, ये वाली है कि ये वाली है, उसको प्रदर्शित किया है। किस पे प्रदर्शित किया है? इस एक्सिस पे। इस एक्सिस के इस तरफ हम ले रहे हैं प्रेशर और इस तरफ ले रहे हैं वॉल्यूम। लेकिन जो प्रदर्शित किया है आपने, उसको प्रदर्शित करने के लिए आपने बेटा सहारा लिया, किसका? प्रॉपर्टीज का। तो अब देखिए बेटा, इस वक्त आपने जो भी गैस थी उसको दबा के रखा हुआ है, तो आयतन कम है, तो प्रेशर ज्यादा है, आयतन कम है तो आप देखिए स्टेट 2 पे क्या है, आयतन तो ये है V2, लेकिन प्रेशर कितना है P2, तो प्रेशर इस पे ज्यादा है, देखिए प्रेशर ये है और आयतन ये है, लेकिन
जब आपने इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया या एक्सपेंड कर गई तो आयतन तो बढ़ गया लेकिन प्रेशर गिर गया। तो देखिए वन पे क्या हो रहा है, आयतन तो बेटा बढ़ गया, ये आपका आयतन हो गया लेकिन प्रेशर क्या हो गया, गिर गया। तो प्रेशर घट गया और आयतन बढ़ गया। इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग बोलते हैं लक्षण है, विच कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। बेटा सिस्टम का मतलब निकाय, कई बार बोल चुके हैं, आज एक नया शब्द आ रहा है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है बेटा अवस्था, डिस्क्राइब का मतलब होता है बतलाती है या वर्णित करती है, बेहतर हिंदी हो जाएगी वर्णित करना। अब जरा समझिए प्रॉपर्टी, इसकी हिंदी होती है गुणधर्म। अब जरा समझिए प्रॉपर्टी या गुणधर्म का को हम कहते हैं किसी निकाय का वह लक्षण जो उसकी अवस्था को प्रदर्शित करता है, प्रॉपर्टी कहलाता है। बात को समझ पाए, इसका मतलब हमारा जो निकाय है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी या श्यानता है, डेंसिटी या घनत्व है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सब जो है प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी जो होता है बेटा किसी भी सिस्टम का या निकाय का वह लक्षण है जो उसकी अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब यहां देखिए थोड़ा सा, ये सपोज कीजिए आजकल कोरोना काल चल रहा है तो फीवर उसका एक सिम्टम है, थोड़ी सी खांसी आई तो आप सुबह क्या बोलते हैं, भाई रात में तुम्हें खांसी आ रही थी, क्या हालचाल है। अब अगर उसने बोल दिया अगले ने, यार खांसी तो कम नहीं हुई है, अच्छा खांसी कम नहीं हुई है, अच्छा बुखार कितना है, उसने बोल दिया 102 बुखार है, तो आप क्या समझे, आप उसकी अवस्था को क्या समझेंगे। तो आज के तारीख में अगर किसी को खांसी आ रही है, रात भर खांसी आई है और उसका बुखार 102 है, तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि इसको हो सकता है कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। तो आप उसकी अवस्था क्या समझ लेंगे, कोरोना सस्पेक्ट, मतलब कोरोना का संदेह है। तो उसने कहा खांसी तो है हल्की फुल्की लेकिन फीवर बिल्कुल नहीं है, तो कोरोना का संदेह जो है थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर खांसी भी खत्म हो जाए एकदम, वो थोड़ा सा खराश थी एकदम सही है, वो ठंडा पानी पी लिए तो उसकी वजह से था। तो इसका मतलब खांसी बुखार आज के तारीख में, और खांसी बुखार या कह लीजिए कि स्वाद नहीं आ रहा है, महक जो है मतलब सुगंध जो हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, कोरोना के लक्षण है। तो सिमिलरली वह लक्षण जो किसी निकाय के अवस्था को बतलाने में या वर्णित करने में मदद करते हैं वह जो है प्रॉपर्टीज कहलाते। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अब ये प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं इंटेंसिव और दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, अब बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डिटेल में करते हैं, एग्जाम में आता भी है इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी छाटी है, जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो आपको काफी एक घंटे करीब इस पर बातें करते हैं, बट यहां पर हमारा मकसद प्रोसेस को समझना है और उस प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आप इतना समझ लीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो साइज पे निर्भर नहीं करती और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है साइज पे निर्भर करती हैं। तो सपोज कीजिए जिस कमरे में मैं हूं, इस कमरे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस कमरे में मान लीजिए जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं इसमें एसी चल रहा है, इसमें एयर है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका टेम्परेचर एयर का इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो प्रेशर है वो है 1.01 bar है, और जो वॉल्यूम है कैपिटल वी वो मान लीजिए है सपोज कीजिए 100 meter cube, 100 meter cube तो नहीं है बेटा, ज्यादा बोल गया मैं, इसको सही कर देता हूं थोड़ा सा, मान लीजिए 2 meter lamba, 2 meter chauda और 2 meter uncha कमरा है, तो 2 × 4 × 8 8 meter cube हमारे कमरे का आयतन है। अब इसमें देखिए बेटा मैंने तीन चीजें लिख दी आपको, ये हमारा है प्रेशर, ये हमारा है टेम्परेचर और ये हमारा है आयतन। इस कमरे में जो एयर है उसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तीन बातें मैंने बताई। और इस कमरे की एयर का अगर हम मास निकालना चाहें तो मास कैसे निकाल सकते हैं बेटा, सर डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मान लीजिए हमने इसका मास भी निकाल लिया, इसका मास आया मान लो 6 kg। अब जरा समझना, इस कमरे में जो एयर है उसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर है 1.01 bar, आयतन है उसका 8 meter cube और जो द्रव्यमान है इस पूरी एयर का वो है 6 kg। अब सपोज करो मैं इस कमरे को
इस तरह से डायगनली डिवाइड कर दूं, इस कमरे को मैं डायगनली डिवाइड कर देता हूं, सपोज करो ये दो हिस्से में परिवर्तित हो गया, ये हो गया वन और ये हो गया टू। अब मैं आपसे पूछूं वन का टेम्परेचर कितना है, तो आप कहेंगे सर वन का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा थोड़ी मैंने इस कमरे को बांट दिया दो हिस्से में, इधर टेम्परेचर 20 हो जाएगा उधर 28 हो जाएगा, नहीं, इधर की एयर का भी टेम्परेचर 24 रहेगा उधर की एयर का भी टेम्परेचर 24 रहेगा। इसका मतलब साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो चीज साइज पे डिपेंड नहीं करेगी वो किस में जाएगी, इंटेंसिव। तो डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज, तो टेम्परेचर किस में चला गया, इंटेंसिव, जो कि साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आइए प्रेशर की बात करते हैं। हमने इस कमरे को डिवाइड कर दिया तो यहां की एयर का प्रेशर क्या 0.5 बार हो जाएगा और वहां का भी 0.5 बार हो जाएगा। टेम्परेचर 24 था तो इधर का 12 हो जाएगा, इधर का 12 हो जाएगी सर, टेम्परेचर दोनों का 24 रहेगा, प्रेशर दोनों का 1.01 बार रहेगा। इसका मतलब ये। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हिस्से में जो डायगनली बांट दिया मैंने, इस हिस्से में कितनी एयर है, तो क्या 6 kg इधर भी एयर रहेगी, 6 kg उधर भी रहेगी, 3 kg इधर रहेगी, 3 kg उधर रहेगी, तो मास किधर चला आएगा, साइज पे डिपेंड करता है। आयतन पूछूं, पूरे कमरे का आयतन 8 m³ था, मैंने डायगनली डिवाइड कर दिया दो बराबर हिस्सों में, तो इधर क्या हो जाएगा 4 m³, उधर भी क्या हो जाएगा 4 m³, तो वॉल्यूम क्या होगा, निर्भर करेगा। इसका मतलब कि वो प्रॉपर्टीज जो साइज पे निर्भर करती हैं वो कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो साइज पे निर्भर नहीं करती हैं वो कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेटा ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। आइए तो अच्छा अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा इतनी बातें हम लोगों ने देख ली, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और मेन तो देखिए बेटा इंटेंसिव एक्सटेंसिव से भी ज्यादा हमें समझना है प्रॉपर्टी है क्या, किसी भी निकाय के वो लक्षण। अच्छा चलिए मैं बात करता हूं इस वक्त, बेटा थोड़ा सा आप समझिए कि हालांकि 15 अक्टूबर आज है, तो 15 अक्टूबर के दिन तो बेटा वैसे तो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन अभी काफी ज्यादा उमस है। तो सपोज करिए मैं कह रहा हूं इस वक्त कि आपको मालूम है कि बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मेरे कमरे का टेम्परेचर जो है 35 तो नहीं होगा, एसी चल रहा है, तो मान लीजिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने कहा चलिए, अब मैंने आपको बताया नहीं, इतना कॉमन सेंस आपके पास है कि बाहर 35 है एसी में 24 है, मैंने कहा यार एयर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप समझ जाएंगे क्या है कि सर कहां पे है, कमरे के बाहर कि कमरे के अंदर, एसी कमरे में कि बाहर, एसी कमरे के अंदर, एसी कमरे के अंदर टेम्परेचर। इसका मतलब कि अवस्था समझ में आ जाती है निकाय की उसको प्रॉपर्टी देख के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहां पे मैंने कहा यहां पे देखिए इधर होगा, ये मैं कह रहा हूं प्रेशर, ये कह रहा हूं वॉल्यूम, मैंने कहा प्रेशर 10 बार है और वॉल्यूम 3 m³ है, प्रेशर मैंने कह दिया 2 बार है और वॉल्यूम 7 m³ है, बताओ कौन सी कंप्रेस्ड स्टेट है और कौन सी एक्सपेंडेड स्टेट है, कौन सी संपीड़ित अवस्था है और कौन सी विस्तारित या एक्सपेंडेड स्टेट है। सर सर जब प्रेशर ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा वो कंप्रेस्ड स्टेट होगी, ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड, और जब सर प्रेशर कम होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वह एक्सपेंडेड स्टेट हो जाएगी। तीन मित्र गए रिजल्ट देखने के लिए और उसमें से लौट रहे हैं, दो का मुंह लटका हुआ है, एक हंस रहा है, बताओ कौन पास हुआ है, जो हंस रहा है वो पास हुआ है। तो हंसना वह लक्षण है जो बता रहा है उसकी मानसिक अवस्था को, चूंकि वो पास कर गया है। चेहरा लटका हुआ है वो एक लक्षण है जो बता रहा है कि फिलहाल तो दुख हो रहा है, कुछ देर तो रहेगा उसके बाद फिर वही भूल जाएंगे हम लोग। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी वह लक्षण है जो निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इसका हम लोग धीरे प्रैक्टिकली जब यूज करेंगे तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने प्रॉपर्टी बताई, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताई, अब इससे भी ज्यादा जो हमारे काम की है उसको देखना है बेटा। इस इंटेंसिव एक्सटेंसिव में भी जरा देखिए बेटा, हम लोग इंटेंसिव एक्सटेंसिव, बेटा यहां हेडिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इस हेडिंग को यहां पे वास्तव में होना चाहिए था इंटेंसिव एक्सटेंसिव के स्थान पे, बेटा यहां पे होना चाहिए था टोटल प्रॉपर्टी, ऐसा गलती हो गई लिखने में, टोटल प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, हेडिंग थोड़ी सी मैंने चेंज करनी चाहिए थी, इसको लिखना चाहिए था टोटल प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब जरा समझिए बेटा, ई का मतलब एनर्जी, इसकी इकाई एसआई प्रणाली में क्या होती है, जूल। एच का मतलब इंथैल्पी, जूल या किलो जूल, मेगा जूल, इसकी एसआई प्रणाली में भी इकाई होती है किलो जूल। ये यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, एसआई प्रणाली में इसकी इकाई भी होती है जूल, किलो जूल, मेगा जूल, जीगा जूल, पता नहीं क्या क्या, टेरा जूल, तुम लोग सब जानते हो, मात्रक पढ़ते हो, साइंस की तैयारी करते हो ना, फिजिक्स की उसमें एग्जाम में आता है, हम तो भूल गए सब।
बहरहाल ये तीनों ही जो है ऊर्जा है और तीनों का मात्रक जो है जूल किलो जूल मेगा जूल जो भी कहना चाहो। लेकिन ई लिखते हैं मतलब एनर्जी, एस लिखते हैं मतलब इंथैल्पी, यू लिखते हैं मतलब इंटरनल एनर्जी, एस लिखते हैं तो एंट्रोपी और वी लिखते हैं तो वॉल्यूम। अब इनकी ये सिंबल है और इनका ये मात्रक। एंट्रोपी का मात्रक क्या है? किलो जूल पर केल्विन। वॉल्यूम का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। लेकिन अब अगर आप गौर कीजिए, मैंने यहां पे ई, ये एच, ये यू, ये एस और ये वी कैपिटल लेटर में लिखा है। कैपिटल लेटर का मतलब कि ये क्या है? ये टोटल प्रॉपर्टी है, ये टोटल प्रॉपर्टी। लेकिन अब जरा देखिए, इस ई के सामने मैंने छोटा ई लिखा है, इस एच के सामने मैंने छोटा एच लिखा है, इस यू के सामने मैंने छोटा यू लिखा है, इस एस के सामने मैंने छोटा एस लिखा है, इस वी के सामने मैंने छोटा वी लिखा है। इसका मतलब ये टोटल प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अब पिक्चर में आ गई टोटल प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। टोटल प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सर, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मैंने कहा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, प्रति किलोग्राम के लिए उस प्रॉपर्टी का मास। इसको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इसको इस तरह समझिएगा कि घर में पत्नी आई, उन्होंने सामने मेरे रोटी रख दी और एक भगो उसमें क्या कहते हैं बोल में, एक कटोरे में बड़े से सब्जी ले आई और एक चम्मच लाके रखा उन्होंने। अब मैं कंफ्यूज हूं कि रोटी तो मेरे मैं खा रहा हूं, दो रोटी तो मेरे पास है, पर सब्जी जो बाउल में ले आई ऐसे कटोरी में लाती थी, आज वो थोड़ा सा बोल में ले आई है। अब बोल मतलब थोड़ा सा बड़ा सा बर्तन है वो कटोरा। अब मैं कंफ्यूज हूं कि ये सब्जी जो है वो मेरे को मिलने वाली या मेरे लिए है कि ये पूरे घर की सब्जी है। मैंने कहा रोटी, बोले तुम्हारे लिए है, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए है, बाकी सब लोगों के लिए रोटी है। और मैंने कहा सब्जी, ये कुल सब्जी है, इसमें से मैं चम्मच से निकाल कर तुम्हारे प्लेट में रख दूंगी, सूखी सब्जी है। इसका मतलब वो सब्जी पूरे परिवार के लिए थी, जो जो रोटी लेगा उसके साथ उसको पत्नी दे रही थी, और ये सब रोटी मेरे लिए थी, तो इसका मतलब वो टोटल थी और ये स्पेसिफिक है। तो आप टोटल का मतलब पूरे द्रव्यमान की और स्पेसिफिक का मतलब एक किलोग्राम का। तो अब जब भी हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी निकालनी होती है तो कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम, तो पर यूनिट मास आज कैसे आएगा अभी देखते हैं। लेकिन इसकी इकाई क्या होगी? ई एनर्जी किलोजूल पर के जी, एच इंथैल्पी, तो ये हो गई स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी पर यूनिट मास। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक इंथैल्पी का मतलब क्या है? इंथैल्पी पर यूनिट मास, मतलब इकाई द्रव्यमान की इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, इकाई द्रव्यमान की एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। ई स्मॉल ई का मतलब क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब इकाई द्रव्यमान की एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी। अब अक्सर हम लोग इस्तेमाल करा करेंगे स्मॉल एच या कैपिटल एच, स्मॉल वी या कैपिटल वी, स्मॉल एस या कैपिटल एस, स्मॉल यू या कैपिटल यू। तो अब आप समझेंगे कि हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि टोटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम तो इसका मतलब यहां पे मैंने स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स से आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को बताने की कोशिश की है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, आइए इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर दें आपको। और अब देखिए बेटा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक चित्र बनाया, अब मेरा कोई फ्लूइड यहां पे आया है और ये फ्लूइड निकल रहा है। अब पहले तो ये बताइए, जो फ्लूइड आया है वो ये है और जो निकल रहा है वो ये है, क्या इस सिंबल को देख के आप बता सकते हैं कि ये टरबाइन है कि कंप्रेसर? सर, जब फ्लूइड आया है तो स्थान कम है और जब निकल रहा है तो स्थान ज्यादा है। इसका मतलब जो आया है तो उसने स्थान कम घेरा है और जब निकल रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेंड हो, तो इसका मतलब जब निकल रहा है तो स्थान ज्यादा घेर रहा है। मतलब सर प्रेशर पहले ज्यादा था, अब प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब जब आया था तो प्रेशर ज्यादा है, निकल रहा है तो प्रेशर कम है, प्रेशर गिर गया, एक्सपेंड हो गया, तो टर्बाइन में क्या होता है? एक्सपेंशन। तो ये एक टर्बाइन है। अब जरा समझिएगा, इस टर्बाइन में आ रही है स्टीम, ये जो स्टीम है उसकी इंथैल्पी एच बराबर मान लीजिए है 50 किलो जूल।
अब कितनी स्टीम है मुझे नहीं मालूम, जो भी स्टीम है इसमें आ रही है उसकी इंथैल्पी है 50 किलो जूल, और जो निकल रही है, जो आ रही है उसको हमने बोला है 1 पॉइंट, H1 बराबर है 50 किलो जूल, और जो निकल रही है इसको बोला है 2 पॉइंट, H2 बराबर है 30 किलो जूल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस टर्बाइन से हमें कितना कार्य मिला है? सर बता सकते हैं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आ रही है सर 50 जूल, जो भाप आ रही है उसके साथ इंथैल्पी, इंथैल्पी बेटा कुछ नहीं, एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी इकाई देखो किलो जूल है। आ रही है तो 50 किलो जूल, जब ये निकल रही है नीचे से तो 30 किलो जूल। ये 20 किलो जूल कहां गई? हम आपने खाए नहीं है, हम लोग भाप तो खाते नहीं है, दाल चावल रोटी खाते हैं, तो इसका मतलब ये जो वर्क मिलेगा ये कितना होगा? 20 किलो जूल। अब मैंने इसी सवाल को दूसरी तरह से आपसे पूछा, अब मैंने कहा बेटा ये हमारी एक टर्बाइन है, ये इसका 2 पॉइंट है और ये इसका 1 पॉइंट। अब इसमें जो आ रही है भाप, अब जरा समझना, ये जो भाप आ रही है कितनी भाप आ रही है? ये आ रही है m बराबर 10 kg, 10 kg भाप आ रही है। वहां मैंने नहीं बताया था कितनी आ रही है, लेकिन मैंने सिंबल इस्तेमाल किया था कैपिटल H। कैपिटल H का मतलब ये इंथैल्पी किसकी है? टोटल, जो भाप है जितनी भी है उसका टोटल का, पूरे की इंथैल्पी इतनी थी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं नहीं, जो स्टीम आ रही है उसका द्रव्यमान है 10 kg, और जो स्टीम आ रही है उसका H1 स्मॉल H1 यह है 5 किलो जूल पर kg, और जो निकल रही है, जो निकल रही है उसकी इंथैल्पी है H2 बराबर 3 किलो जूल प्रति kg। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह टर्बाइन हमें कितना कार्य देगी? सर उस टर्बाइन ने तो 50 था, 30 निकल गया, 20 किलो जूल कार्य दिया था। यह जो कार्य देगी, ये सर कार्य देगी, दो उत्तर आप देते हैं। एक बच्चे ने कहा सर ये आपको कुल कार्य देगी 20 किलो जूल, दूसरे ने कहा नहीं सर ये आपको कार्य देगी 3 किलो जूल पर kg। दोनों उत्तर सही है। अब देखिए बेटा 5 किलो जूल इसकी इंथैल्पी नहीं, जो भाप आई 1 किलोग्राम भाप की इंथैल्पी 5 किलो जूल है, और आने वाली भाप कितनी है? 10 kg। तो इसका मतलब कुल ऊर्जा कितनी आ रही है? 5 किलो जूल 1 kg की, तो 10 kg की ऊर्जा कितनी होगी? 50 किलो जूल। तो इसका मतलब यहां पे प्रश्न बनाने वाले ने आपको स्पेसिफिक इंथैल्पी के रूप में एंट्री और एग्जिट पे इंथैल्पी दी है, और उसी आंसर सेम है, चीज वही है, लेकिन यहां पे उसे टोटल इंथैल्पी के रूप में दी है। यह आंसर क्या है? टोटल वर्क के रूप में है। यह आंसर क्या है? प्रति किलोग्राम के वर्क के रूप में है। मेरी बात तो समझिएगा, एक दुकान पे मैं गया, वहां पे इस तरह से कुछ ऑरेंजेस मतलब संतरे पड़े थे, तो मैंने पूछा भाई ये संतरे कितने के हैं? तो उसने बोला कि साहब 25 रुपए के। तो 25 रुपए एक संतरा के टोटल, तो अगर वो 25 रुपए कह रहा है तो टोटल, लेकिन उसने बोला नहीं साहब ये 5 थे मान लीजिए, उसने बोला एट द रेट फाइव का मतलब क्या है? एक पीस का दाम 5 रुपए, और 25 जब बोल रहा है तो ढेरे का दाम 25 रुपए, तो मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? तो इसका मतलब प्रॉपर्टी को बतलाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम टोटल प्रॉपर्टी के रूप में बता दें, या हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के रूप में बता दें। तो अब कहीं भी स्मॉल लेटर हो तो आप समझिएगा कि ये प्रॉपर्टी उस निकाय के 1 किलोग्राम की है, और कैपिटल लेटर में हो तो आप समझ जाइएगा ये प्रॉपर्टी उस पूरे निकाय की है, उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, ये टोटल प्रॉपर्टी है। तो टोटल और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब प्रति किलोग्राम का, ठीक है। चल इतनी बातें हमने देख ली बेटा, अब आप समझिए थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग बेसिक वाला जो फर्स्ट होता है बेटा शुरुआत, बड़ी बोरिंग होती है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसको समझेंगे तो छोटी चीजें समझ में आएंगी और नहीं तो दिक्कत होती है। इसका मतलब ये हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। थैंक यू।